लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं और समझने वाले हैं व्हाट इज लर्निंग लर्निंग क्या है अधिगम क्या है हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे इसके नेचर की बात करेंगे और हम इसके रिलेवेंस प्रासंगिकता की बात करेंगे तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप सब वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लर्निंग के कंसेप्ट को समझते हैं अधिगम की अवधारणा को

कहते हैं लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव टर्म ऑन द इंडिविजुअल की जब अधिगम की बात करते हैं ना तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एक व्यापक शब्द है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व तो पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है तो देखिए अगर हम रियल लर्निंग की बात करें ना वास्तविक अधिगम वही है जिसमें आप दिल से सीख रहे हो दिमाग से सीख रहे हो और सीखी हुई चीज आपको हमेशा याद रहती है तो लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू सिचुएशन इज एन एक्शन की अधिगम परिस्थितियों और क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है आप अलग अलग परिस्थितियों में सीखते हैं आप घर में सीखते हैं आप अपने समाज में सीखते हैं आप स्कूल में सीखते हैं तो अलग अलग सिचुएशन है परिस्थितियां हैं उसमें आप सीखते हो और उसके माध्यम से क्या हो रहा है आपके व्यवहार में आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है तो यही क्या है लर्निंग है बी करने से पहले हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग तरह का था और बी एड करने के बाद हमारे बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहा है काफी परिवर्तन आ रहा है और जब हम स्कूल्स में जाएंगे बच्चों के साथ हमारा इंट्रेक्शन होगा तब भी हम कुछ नया सीखेंगे और हमारे बिहेवियर में फिर से चेंजेस आएगा तो जब हम लर्निंग की बात करें देखिए ये पूरी दुनिया जो है ना एक लर्निंग प्लेस है और हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं तो इसलिए अलग अलग सिचुएशन में हम चीजों को सीखते हैं अलग अलग एक्टिविटीज करके हम चीजों को सीखते हैं तो लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू सिचुएशन एंड अधिगम परिस्थितियों और क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है लर्निंग कैन बी फॉर्मल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की अधिगम जो है भी हो सकता है औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है कैसे तो देखिए जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो जो लर्निंग क्लासरूम में हो रही है उसको हम कहते हैं फॉर्मल और क्लासरूम के बाहर हम घर की बात करें हम सोसाइटी की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं इनफॉर्मल तो स्टूडेंट लर्न इनफॉर्मली इन होम फैमिली एंड सोसाइटी की जब हम बच्चे की बात करते हैं तो अपने घर में अपने परिवार में अपने समाज में सोच सीखता है वो क्या इनफॉर्मल और जो क्लास में सीखता है वो क्या हो गया फॉर्मल अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम जी ए किमले की बात करें तो उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या बोला है लर्निंग रिफर्स टू मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस की अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को संदर्भित करता है जो ये परिवर्तन कैसे आ रहा है अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आ रहा है अकॉर्डिंग टू गेट्स गेट ने क्या कहा लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन है तो यहाँ पर आपको लर्निंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लर्निंग क्या है अब अगर हम नेचर ऑफ लर्निंग की बात करें तो देखिए इसका नेचर अगर बात करें तो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस कि अधिगम कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है हमेशा जीवन भर चलती रहती है क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ नया है, सीखते हैं तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द चाइल्डहुड पीरियड बट इट गोस विथ लाइफ की बचपन की अवधि तक सीमित नहीं होता बल्कि जीवन भर चलता है इट इज कंसर्न एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल एंड वैल्यूज के ज्ञान कौशल और मूल्यों के ग्रहण करने से संबंधित है इट एम्स एट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना उनका बौद्धिक विकास करना द होल सोसाइटी इज द प्लेस फॉर लर्निंग पूरा समाज सीखने की जगह चाहे हम समाज की बात करें चाहे हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरा समाज पूरी दुनिया क्या है प्लेस फॉर लर्निंग सीखने की जगह है इट इज पर्पजफुल एंड गोल ओरियंटेड की है उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य उन्मुख है क्योंकि जब भी हम सीखते हैं आप बी पढ़ रहे हो ठीक है आप सीख रहे हो तो आप एक से सीख रहे हो, तो हम चीजें को सीख रहे हैं ठीक है 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 तो ये क्या होता गोल होता गोल हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए हम चीजों को जानते हैं चीजों को सीखते हैं और अगर इसके रिलेवेंस की बात करें इसकी प्रासंगिकता की हम बात करें तो इट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के व्यवहार के संशोधन में मदद करता है इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द न्यू एनवायरमेंट की नए वातावरण में डालने में मदद करता है इसके अलावा दिस गिव्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इससे विषय का गहन ज्ञान प्राप्त होता है लर्निंग के थ्रू एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब आप चीजों को सीखते हैं चीजों को जानते हैं तो आपकी नॉलेज ही है जो आप में आत्मविश्वास पैदा करती है अगर आप चीजों को नहीं जानते आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कुछ है ही नहीं तो आप डिमोटिवेट अपने आप हो जाते हो लेकिन आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है आप सब कुछ जानते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है इट हेल्प्स इन पर्सनल डेवलपमेंट इ व्यक्तिगत विकास में सहायक है कि आप जितने अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे जितने अच्छे से चीजों को जानेंगे समझेंगे आपकी नॉलेज और स्किल जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी डेवलप होगी उतना ही आप आगे बढ़ेंगे इट ओपन्स डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटी की नए अवसरों के द्वार खोलता है तो देखिए आपकी नॉलेज स्किल जितनी अच्छी होगी उतना ही आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी उतना ही आप नई नई चीज़ों को कर सकते हैं सीख सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और आपकी लर्निंग ही है आपकी नॉलेज ही है जो आपको एनर्जेटिक बनाता है आपको हमेशा ऊर्जावान रखता है इट मेक्स यू हैप्पी यह आपको खुश रखता है तो देखिए आप अपने कॉलेज में देखिए जिस बच्चे की लर्निंग अच्छी है जो बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख जाता है समझ जाता है जिसे किसी तरह की ऐसी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती तो हमेशा खुश रहता है हमेशा एनर्जेटिक रहता है उसका आत्मविश्वास हमेशा हाई रहता है लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं है जिन बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो हाँ, हमेशा बच्चे हमेशा डरे डरे सहमे सहमे, सहमे से रहते हैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पास कर दो पास कर दो लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं जो चीजों को मन लगा के सीखते हैं जिनकी नॉलेज अच्छी है जिनकी स्किल अच्छी है उनको किसी तरह का कोई डर नहीं होता कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि हम चीजों को कर लेंगे तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि लर्निंग क्या होती है हमने इसके कंसेप्ट को समझा नेचर को समझा रिलेवेंस को समझा अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग टीचिंग टीचिंग लर्निंग लर्निंग का मतलब सीखना और टीचिंग का मतलब सिखाना जब हम क्लासरूम की बात करें तो लर्निंग काम है स्टूडेंट का और टीचिंग काम है टीचर का तो इससे पहले की वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग में हम बात करने वाले हैं टीचिंग की व्हाट इज टीचिंग इस वीडियो में हम टीचिंग के कंसेप्ट को समझेंगे इसके नेचर को समझेंगे और लास्ट में हम इसके रिलेवेंस प्रासंगिकता की बात करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में शिक्षण की अवधारणा के बारे में तो देखिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है टीचिंग और लर्निंग तो दोनों ही क्या हो गए एजुकेशन के टूल हो गए तो टीचिंग इज ऑफ एजुकेशन शिक्षण शिक्षा का एक मुख्य उपकरण है जिसके माध्यम से टीचर क्या करता है बच्चों को पढ़ाता है बच्चों को सिखाता है तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स की इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ज्ञान समझ और कौशल प्रदान करना कौन करता है टीचर किसको करते हैं बच्चों को द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव की शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है अधिगम को प्रभावशाली बनाना इफेक्टिव बनाना द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग की शिक्षण के परिणाम अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचिस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल की शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता तो एक व्यक्ति कौन हो गया टीचर और वो किसको सिखा रहा है बच्चों को सिखा रहा है टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन की शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि टीचिंग या शिक्षण क्या है इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल किया अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है जब हम बात करते हैं फॉर्मल 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 की तो क्या हो गया टीचिंग प्लेस इन अ मैनर द क्लास रूम के अंदर होती है टीचर पढ़ाता है बच्चे पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फॉर्मल और जब क्लास के बाहर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं इनफॉर्मल हम कहते हैं अनौपचारिक हम कहते हैं अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमस एफ ग्रीन इनके अनुसार क्या कहते हैं टीचिंग के बारे में कि टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की शिक्षण शिक्षक का कार्य है जो बच्चों के विकास के लिए किया जाता है और क्लार्क ने क्या कहा है कि टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर कि शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया है बनाया गया है तो यहाँ पर आपको टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि टीचिंग क्या है अब हम इसके अगर नेचर की बात करें तो टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस की शिक्षण एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम टीचिंग को एक सोशल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं क्योंकि देखिए समाज में समाज के लोग समाज की जो आवश्यकताएं हैं नीड है उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया गया है स्कूल कॉलेजेस बनाए गए हैं तभी तो एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर चाहिए इंजीनियर चाहिए ऑफिसर चाहिए तो कहाँ पर तैयार किए जाते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में तो इसलिए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल्स कॉलेजेस बने हैं तो समाज के जो बच्चे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में आते हैं ताकि वो नॉलेज और स्किल को गेन करें और उन्हीं नॉलेज और स्किल के साथ सोसाइटी में जाकर सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए काम करें और सोसाइटी की इसी नीड को पूरा करने के लिए हम स्कूल में क्या हो रहा है कॉलेज में क्या हो रहा है टीचिंग लर्निंग हो रहा है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है जो समाज के वेलफेयर के लिए किया जाता है समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन की शिक्षण क्या है शिक्षण के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कौन जानकारी देता है टीचर किसको देता है बच्चों को तो टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस की शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया संवाद किसके बीच में संवाद हो रहा है टीचर और बच्चों के बीच में टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है बल्कि पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बच्चों से बातचीत करता है बच्चों से क्वेश्चन पूछता है बच्चे उसके आंसर देते हैं तो इसलिए टीचिंग क्या है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है एक संवादात्मक प्रक्रिया है इसके अलावा टीचिंग कॉजेस और चेंज इन बिहेवियर के शिक्षण से व्यवहार में बदलाव आता है अगर टीचर की टीचिंग अच्छी है अच्छे से पढ़ा रहे समझा रहा है तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन देखिए जब हम टीचिंग को एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं संवादात्मक प्रक्रिया बोल रहे हैं कि टीचर और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन संचार का विकास हो रहा है और टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन की शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है आप आज देखिए पूरी दुनिया में देखिए कि इतने हजारों लाखों करोड़ों कॉलेजेस होंगे स्कूल होंगे यूनिवर्सिटीज होंगी तो उसमें आ, टीचर्स हैं कोचिंग सेंटर भी आप देखिए तो टीचर्स की पूरे दुनिया भर में काफ़ी डिमांड है स्कूल्स में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में और इस ऑक्यूपेशन को फुलफिल करने के लिए डी चलाए जा रहे हैं बी कोर्स आ रहा है एम कोर्स आ रहा है इस तरह के कोर्सेज हैं तो टीचिंग क्या है एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन एक कुशल व्यवसाय है और इस व्यवसाय में कौन आता है जिसमें क्यूर्सिटी होती है जिसमें इच्छा होती है कि हमें स्कूल्स में जाकर हमें कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाना है उनको सिखाना है इसके अलावा इट इज अ अर प्रोसेस की एक द्विधुरी प्रक्रिया है द्विधुरी हम क्यों कह रहे हैं देखिए बायपोल पोलर मतलब कि टीचिंग जब हम बात करते हैं ना तो बायोपोलर क्यों है यहाँ पर एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट टीचर सिखाता है स्टूडेंट सीखता है टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट पढ़ता है अगर स्टूडेंट ना हो तो टीचर का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता तो इसे इसको कह रहे हैं बायपोलर प्रोसेस और इसी के साथ हम कह रहे हैं ट्राईपोलर

बात करते हैं जब नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें ना तो इट इज़ अ प्लैंड एक्टिविटी की एक नियोजित गतिविधि है प्लैंड एक्टिविटी हम इसको क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब क्लास में टीचर पढ़ाने जाता है ना तो ऐसा नहीं कि घर से उठकर सीधा जाके स्कूल में क्लास में पढ़ाने लगे कोई भी चैप्टर जब टीचर पढ़ाता है तो उसके पीछे भी पूरी प्लानिंग होती है जब आप इंटर्नशिप में स्कूल में जाएंगे तो जब आप कोई भी चैप्टर डिलीवर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि चैप्टर्स को जो भी कंसेप्ट है उसको बच्चों को सही से बताया जा सके समझाया जा सके तो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है और टीचिंग एंड आर्ट एंड साइंस की शिक्षण जो है एक कला भी है और एक विज्ञान भी है देखिए टीचिंग को आर्ट क्यों कहा जाता है टीचिंग को आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग टीचर होते हैं सबका अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है कुछ टीचर का पढ़ाई आपको बहुत जल्दी समझ में आता है तो कुछ टीचर का पढ़ाई आपको जल्दी समझ में नहीं आता कुछ टीचर बैठ के पढ़ाते हैं कुछ टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं कुछ टीचर क्लास में घूम पढ़ाते हैं तो कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों को पूरा इंगेज रखते हैं तो टीचिंग एक आर्ट है और टीचर क्या है एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट है तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है जिन जो जब पढ़ाते हैं तो आपको मजा आता है सीखने में लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई आपको समझ में नहीं आता तो टीचिंग एक आर्ट है और टीचर एक आर्टिस्ट है और अगर हम साइंस की बात करें तो टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं जो भी बताते हैं उसके पीछे एक फैक्ट होता है एक एविडेंस होता है तो इसलिए हम आ, टीचिंग को हम क्या कहते हैं आर्ट भी कहते हैं और इसको हम साइंस भी कहते हैं अब अगर हम इसके रिलेवेंस की बात करें कि ऑफ़ टीचिंग शिक्षण की क्या प्रासंगिकता है तो इट क्रिएट्स अ डिजायर टू लर्न कि ये सीखने की इच्छा पैदा करता है देखिए अगर टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है ना इंटरेस्टिंग है तो जो क्लास में बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता ना उसका भी अपने आप पढ़ने का मन करने लगता है

जो बातचीत है उसको बढ़ावा देता है इसके अलावा इट डेवलप्स लाइफ स्किल कि जीवन कौशल को विकसित करता है इट प्रमोट्स पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज की सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों को बढ़ावा देता है क्लास में इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर चैलेंजेस ऑफ लाइफ की यस विद्यार्थी को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है देखिए क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाते भी नहीं लाइफ में कैसे रहना है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इन चीजों के बारे में भी आपको बताते हैं इट एनकरेजेस लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग की शिक्षार्थी को अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है क्लास में टीचर पढ़ाता है तो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से बार बार, बार, बार बातचीत भी करता है क्वेश्चन भी पूछता है ताकि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए और सोच समझ आंसर दें थ्रू दिस वन गेट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इससे विषय का ज्ञान प्राप्त होता है इट हेल्प इन अवरकमिंग लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम की यह अधिगम संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है बच्चों की इससे समस्याएं दूर होती हैं और इट इज हेल्पफुल इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट के शिक्षार्थी के शिक्षक के विकास में सहायक है तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि टीचिंग क्या होती है इसके कंसेप्ट को हमने समझा इसके नेचर की बात की रिलेवेंस की बात की तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग में दोनों में क्या रिलेशनशिप है दोनों में क्या संबंध है तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद इससे पहले के वीडियो में हम लर्निंग के बारे में जान चुके हैं समझ चुके हैं हम टीचिंग के बारे में भी जान चुके हैं समझ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कि शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या संबंध है क्या रिलेशनशिप है तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग के शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर द फाउंडेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया की नींव है क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टीचिंग भी आता है यहाँ पर लर्निंग भी आता है तो दोनों ही जब हम टीचिंग की बात करें हम लर्निंग की बात करें दोनों ही फाउंडेशन है किसके एजुकेशन के कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया की नींव है बो थार इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर के दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है हम बात करते हैं कि अच्छी टीचिंग होगी तभी लर्निंग इफेक्टिव होगी बच्चा अपने आप से भी कर सकता है सीख सकता है बिल्कुल सही बात है लेकिन अगर सिखाने वाला अच्छा हो ना तो सीखने वाला भी बहुत बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से सीखता है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है तो लाइक द टीचर लाइक द स्टूडेंट की जैसा शिक्षक होगा वैसा ही विद्यार्थी होगा मतलब अगर उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा तभी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा अच्छे से सिखाया जाएगा तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा तो अगर टीचर अच्छा होगा तो विद्यार्थी भी अच्छा होगा अगर टीचर आ, समझदार होगा तो बच्चा भी होशियार होगा इसके अलावा गुड टीचिंग रिजल्ट से अच्छा अधिगम होता है. की अच्छे विद्यार्थी ही अच्छे शिक्षक बनते हैं गुड टीचिंग प्रमोट्स लर्निंग की अच्छा शिक्षण ही अधिगम को प्रोत्साहित करता है अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा हो टीचिंग अच्छी हो तो जिन बच्चों को पढ़ने का मन भी नहीं करता उनको भी पढ़ने का मन अपने आप करने लगता है क्यूरसिटी होने लगती है और एक टीचर का ही तो पढ़ाने का तरीका है कि आप एक टाइम बात कहते हो कि नहीं ये वाला सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि उसको पढ़ाने वाला जो टीचर है उसका पढ़ाने का तरीका बढ़िया होता है टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी कॉल टू साइड ऑफ द सेम कॉइन की शिक्षण और अधिगम को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है क्योंकि हम जब एजुकेशन की बात करते हैं ना तो एजुकेशन में दोनों ही जरूरी हैं टीचिंग के द्वारा ही लर्निंग होती है और इफेक्टिव लर्निंग के लिए इफेक्टिव टीचिंग का होना बहुत जरूरी है तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हम इसको कह सकते हैं बोथ कैन भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के दोनों ही औपचारिक भी हो सकते हैं अनौपचारिक भी हो सकते हैं क्लासरूम में अगर टीचिंग लर्निंग होगी तो फॉर्मल होगी क्लासरूम के बाहर होगी तो इनफॉर्मल होगी बोथ आर रिलेटेड टू और सर्टेन टाइम के दोनों का संबंध एक निश्चित समय से है देखो वैसे तो हम कहते हैं कि लर्निंग एक पूरी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन यहाँ पर जब हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं तो देखिए जब हम फॉर्मल अगर एजुकेशन की बात करते हैं ना टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो फॉर्मल टीचिंग लर्निंग कहाँ होती है स्कूल्स में क्लासरूम में और स्कूल की हम बात करते हैं क्लासरूम की बात करते हैं तो अलग अलग पीरियड होता है एक टाइम टेबल होता है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बोथ आर रिलेटेड टू सर्टेन टाइम के दोनों का संबंध एक निश्चित समय से है रिलेटेड टूर्टन प्लेस दोनों का संबंध एक निश्चित संबंध एक है और उस स्थान क्या है schools है colleges है टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर an आर्ट की शिक्षण और अधिगम दोनों ही एक कला है पढ़ना भी एक कला है हर बच्चे का अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है तो पढ़ाना भी एक कला है हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का अलग तरीका होता है और दोनों की एक जो कॉमन चीज है बोथ हार पर्पजफुल की दोनों ही उद्देश्य पूर्ण होते हैं एक उद्देश्य को लेकर टीचर बच्चों को पढ़ाता है और एक उद्देश्य को लेकर बच्चा चीजों को सीखता है बोथ रिक्वायर हार्डवर्क की चाहे हम पढ़ने की बात करें पढ़ाने की बात करें दोनों में हार्डवर्क जरूरत होता है टीचर भी मेहनत करता है तो बच्चा भी मेहनत करता है बोथ कैन भी इंटरेक्टिव की दोनों ही संवादात्मक हो सकते हैं टीचिंग तो इंटरेक्टिव होता ही होता है क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों की हेल्प से पढ़ा रहा है पढ़ाते हुए बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है तो इंटरेक्टिव होता है और जब लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चा अकेला भी पढ़ता है लेकिन दूसरों के साथ भी पढ़ता है तो बातचीत के माध्यम से पढ़ता है सीखता है तो बोथ कैन बी इंटरेक्टिव अ गुड एनवायरमेंट इज फॉर बोथ की दोनों के लिए एक अच्छा वातावरण की आवश्यकता होती है एक अच्छा वातावरण मिले एक अच्छा एनवायरमेंट मिले तो टीचिंग भी इफेक्टिव होती है लर्निंग भी इफेक्टिव होती है तो इस तरह से हमने देखा कि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में क्या रिलेशनशिप है दोनों में क्या संबंध है तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में हमारे दिमाग में हमेशा आता है यार ऐसी क्या बात है कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं लेकिन एक ही क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं टीचर भी सेम पढ़ा रहा है लेकिन हर बच्चे को देखें तो सबका अपना अलग बिहेवियर है बोलने का अलग तरीका है आ, कोई बहुत शांत है तो कोई गुस्से वाला है तो ऐसा क्या कारण है और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक ही सेम फैमिली है दो भाई हैं लेकिन दोनों का नेचर बिहेव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है तो ऐसा क्या कारण है तो आज की इस वीडियो में हम इन्ही क्वेश्चन के बारे में जानेंगे इन्ही क्वेश्चन के जो आंसर है उस पर हम बात करेंगे कि नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है तो इस वीडियो में हम नेचर एंड नर्चर के कंसेप्ट को जानेंगे और साथ ही हम इनके इंपोर्टेंस की बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इनके एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या क्या है तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखिए अगर हम आज की डेट में अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करें ना तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनी है इसका निर्माण कैसे हुआ तो देखिए दो कारण है सबसे पहला कारण हेरिटेज जिसको आनुवंशिकता कहते हैं अनुवंशिकता या हेरिटी क्या है अनुवंशिकता या हेरिटी हमारे अंदर वो क्वालिटी है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है हमें अपने माता जी पिताजी से मिली है हमें अपने दादाजी दादी जी से मिली है तो वो क्वालिटी जो होती है उसे हम कहते हैं हेरिटी जैसे हम नहीं कहते कि यार तुम्हारी आंखें तुम्हारे माता जी से मिलती हैं तुम्हारे पिताजी से मिलती हैं तुम्हारी हाइट जो है तुम्हारे पिताजी पे गई है तो हेरिटी का मतलब अनुवंशिकता का मतलब हमारी वो क्वालिटीज जो हमें किससे मिली है हमारे पेरेंट्स से मिली है और एनवायरमेंट की बात करें तो देखिए एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि पैदा होने के बाद हमने अपने एनवायरमेंट से हमारे आसपास की जो सोसाइटी है हमारा घर परिवार है हमारा स्कूल है तो वहाँ से जो चीज़ें हमने सीखा है और इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी आनुवंशिकता और वातावरण का ही परिणाम है आज जो हमने सीखा है दो उसका कारण है एक हमने आसपास से क्या सीखा है दूसरा हमें अपने पेरेंट्स से उनकी कौन सी क्वालिटी हमें मिली है तो हेरिटी एंड एनवायरमेंट आर द टू ग्रेट फोर्सेस डेट शेप ह्यूमन पर्सनैलिटी की आनुवंशिकता और वातावरण दो महान शक्तियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं तो इसी कारण से देखो इसी कारण से हम चाहे हम बात करें आ, फिजिकल कैरेक्टर इमोशन हैबिट्स नेचर एंड वैल्यूज है सारी चीजें आप अलग अलग लोगों में देखिए लोगों में अलग होती है कई बार हम देखते हैं ना कि एक ही क्लास में सेम बुक बच्चा पढ़ रहा है पढ़ाने वाला टीचर भी सेम है लेकिन बच्चों का व्यवहार अलग है क्योंकि बच्चे एक क्लास में तो पढ़ रहे हैं लेकिन आते अलग अलग एनवायरमेंट से हैं अलग अलग जगह से आते हैं तो उनके एनवायरमेंट का उन पर प्रभाव पड़ता है तो ड्यू टू दिस पीपल डिफर इन फिजिकल अलग लग लग लोगों को देखोगे तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी अलग होता है कोई मोटा होता है कोई छोटा होता है कोई पतला होता है कोई लंबा होता है कैरेक्टर भी सबका अलग होता है इमोशंस भी सबके अलग होते हैं हैबिट्स भी अलग होते हैं नेचर भी अलग होते हैं वैल्यूज भी अलग होते हैं इसका कारण क्या है हेरिडिटी और एनवायरमेंट हेयर हेरिटी मीन्स नेचर एंड एनवायरमेंट मींस नेचर तो देखिये हेरिटी का मतलब क्या है नेचर तो नेचर का मतलब अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर या हेरिटी मतलब जो क्वालिटीज हमें अपने पेरेंट्स से मिली है और एनवायरमेंट हमें जो क्वालिटी सीखी है हमने अपने से सीखी है तो नर्चर रिफर्स टू हाउ जेनेटिक्स इन्फ्लुएंसेस नर्चरिटी की जब हम प्रकृति की बात करते हैं हम बात करते हैं हेरिटी की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है नर्चर रिफर्स टू हाउ देयर एनवायरमेंट अफेक्ट देयर डेवलपमेंट की पालन पोषण से तात्पर्य है कि उनका वातावरण उनके विकास को कैसे प्रभावित करता है तो देखिए हम अगर बात करें तो हम देखते हैं ना कि हर बच्चे में कुछ जनजात कुछ क्वालिटीज होती हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आ, क्रिकेटर है ठीक है तो उनका अगर आगे चलकर बच्चा होता है तो उसमें भी जो क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट है काफी हद तक देखते हैं कि वो होता है लेकिन अगर उसको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा एक अच्छा पर्यावरण मिलेगा तभी तो वो आगे बढ़ सकता है अपनी जो क्वालिटी है उसको डेवलप कर सकता है तो दोनों ही जरूर जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के आ, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया जब हम नेचर की बात करते हैं तो मतलब क्या है हेरिटी और जब हम नर्चर की बात करते हैं तो एनवायरमेंट और दोनों ही जरूरी हैं एक बच्चे के एक विद्यार्थी के उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में तो सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें कि नेचर क्या है प्रकृति क्या है तो नेचर प्रकृति हमारे आनुवंशिक को संदर्भित करती है इमेज में आप देख रहे हो कि पेरेंट्स की जो क्वालिटी है उनके बच्चों में देखने को मिलती है तो नेचर इज इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस की प्रकृति आनुवंशिक वंशानुक्रम वस, द्वारा प्रभावित होती है इसमें वे जीन शामिल हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं तो अक्सर देखते हैं कि अगर मदर फादर की हाइट ज़्यादा हो तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है मदर फादर की हाइट कम हो तो बच्चों की भी हाइट कम होती है फिर चाहे हम फेस की बात करें चाहे आइज़ की बात करें तो अक्सर कहते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे फादर से मिलती हैं तुम्हारे मदर से मिलती हैं तो जब हम नेचर की बात करते हैं हम हेरिटी की बात करते हैं तो वो क्वालिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है और बाय बर्थ मिली है दिस कैन इंपैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी की हमारे व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव डाल सकते हैं दिस कैन इफेक्ट द वे वी डेवलप फ्रॉम childhood to टू अडल्टूड की बचपन से व्यवस्था तक हमारे विकास के तरीके को प्रभावित करता है अक्सर हमारे बोलने का तरीका हमारे चलने का तरीका दूसरों से बात करने का तरीका हमारे पेरेंट्स से मिलता है उन पर हमें जाता है जैसे मैंने आपको क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया जैसे मैंने आपको टीचर का एग्जाम्पल दिया कि अगर टीचर के अगर बच्चों को देखें ठीक है तो बाय बर्थ उनकी क्वालिटी होती है कि जब टीचर आते तो बच्चे भी थोड़े उस तरह से होते हैं नॉलेजेबल होते हैं लेकिन अगर उनको अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा तभी वो अपनी जो क्षमता है उसका विकास कर सकते हैं नहीं तो अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिले बेकार एनवायरमेंट मिले तो एक टीचर का बच्चा भी गलत रास्ते पर जा सकता है जरूरी नहीं कि वो टीचर ही बने टीचर कब बन सकता है एक तो By birth quality, उसको उसको से मिली है, लेकिन अगर उसको अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा अगर उसको गलत एनवायरमेंट मिल गया उसको गलत साथी मिल गए अगर हम नर्चर पालन पोषण उसका सही तरीके से नहीं हुआ तो बिल्कुल वो टीचर बन ही नहीं सकता वो गलत रास्ते पर चला जाएगा और अपनी लाइफ को खराब कर सकता है तो नेचर में एग्जाम्पल हम देखें तो चाहे हम आनुवंशिक रोग की बात करें जेनेटिक डिजीज की बात करें कि अगर कुछ बीमारियां जैसे शुगर और इस तरह की बीमारियां अगर पेरेंट्स को हों तो उनके बच्चों को भी होती है हाइट की बात करें आई कलर की बात करें हेयर कलर की बात करें स्किन कलर की बात करें कुछ ऐसी चीज़ें हैं चाहे हम बिहेवियर भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स की चीजें वो जो क्वालिटी है बच्चों में देखने को मिलती है इसके कुछ अगर डेफिनेशन हम देखें ना तो रूथ Bandit एक क्या कहते हैं इज द ट्रांसमिशन ऑफ ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स टू स्प्रिंग पिता से संतानों में गुणों का संचरण है जैसा कि हम जान चुके हैं और डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं कि, कि किसी की आनुवंशिकता में माता पिता से प्राप्त सभी संरचनाएं शारीरिक विशेषताएं कार्य क्षमताएं शामिल है, होती हैं कि वंस कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन और कैपेसिटी डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर या प्रकृति क्या होती है बाय बर्थ होती है वो क्वालिटी पेरेंट्स से मिलते हैं अब अगर हम नर्चर की बात करें पालन पोषण की बात करें तो देखिए अगर हम नेचर तो आप सब समझ गए कि वो क्वालिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है लेकिन पालन पोषण अगर बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं होता तो अक्सर हम देखते ना कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अलग अलग होते हैं एक ही फैमिली में जो बच्चे हैं दो बच्चे हैं बेशक से उनकी क्वालिटीज जो है उनके उनकी कुछ क्वालिटीज़ उनके पेरेंट्स उनको मिली है लेकिन अगर उनकी परवरिश सही तरीके से ना हो उनको अच्छा एनवायरमेंट ना मिले तो एक ही परिवार के दो बच्चों का जो बिहेवियर है व्यवहार है बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकता है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे अगर आ, नेचर की बात करें तो वो इंटरनल इन्फ्लुएंस है तो अगर हम बात करें आ, नर्चर की बात करें तो इट इज इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की यह बाहरी वातावरण द्वारा प्रभावित होता है इट इंक्लूड्स दोज एनवायरमेंटल फैक्टर डेट अफेक्ट अस कि इसमें उन पर्यावरणीय कारकों को शामिल किया जाता है जो जो हम पर प्रभाव डालता है तो देखिए अक्सर हम देखते हैं कि घर घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हमारी सोसाइटी के लोग है, हमारे, आ, हैं हमारे फ्रेंड्स हैं

चल जाता है अक्सर हम देखते हैं जैसे आप गल्फ कंट्रीज में वहां पे जो आईएसआईएस जो इस तरह का संगठन है नहीं? तो वहां पर भी आप देख सकते हैं उनमें क्या है कि बच्चा छोटा पैदा होते ही उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि आप बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसके हाथ में क्या पकड़ाते हो आप पेन कलम बुक्स पकड़ाते हैं आप या तो बंदूक पकड़ाते हैं तो जैसा एनवायरमेंट डालेंगे वैसा ही बच्चा होगा तो दिस इंक्लूड्स आवर अर्लीस्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की इसमें हमारे बचपन के शुरुआती अनुभव भी शामिल है तो अक्सर कई फैमिलीज में आप देखें कि बच्चा जब पैदा होकर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको अच्छी बातें सिखाई जाती हैं और कई सोसाइटीज ऐसे भी मिलेंगी कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसको गाली देना गलत शब्द दे सिखाए जाते हैं तो बच्चा आगे चलकर वैसे ही बोलता है तो दिस इंक्लूड्स आवर अप्रिंगिंग इससे हमारी जो परिवश्य शामिल है ठीक है ठीके? तो यहाँ पर आपको नर्चर का मतलब भी समझ में आ गया होगा तो दिस इंक्लूड्स आवर सोशल रिलेशनशिप एंड द सराउंडिंग कल्चर की इसमें हमारे सामाजिक रिश्ते और आसपास की जो संस्कृति है शामिल है तो एग्जाम्पल देखते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन की व्यक्ति का व्यवहार तो अगर आप इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो चाइल्ड कैन लर्न टू से प्लीज एंड थैंक यू थ्रू ऑब्जर्वेशन की एक बच्चा अवलोकन के माध्यम से कृपया और धन्यवाद कहना सीखता है कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा है फैमिली में तो उसको एक अच्छा एन्वायरमेंट मिला सही तरीके से बोलना सिखा रहे हैं लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का एन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है स्कूल में जो उसके सीनियर्स है वो अच्छे नहीं मिल रहे उन सीनियर्स ने बच्चों को स्मोकिंग करना सिखा दिया बच्चों को गाली देना सिखा दिया तो फैमिली की बात करें ठीक है तो जो क्वालिटीज कुछ नेचर जो है वो बच्चों को उनके पेरेंट्स ही मिल रहे लेकिन जब सराउंडिंग का एनवायरमेंट ठीक नहीं है तो बच्चा अक्सर गलत हैबिट पकड़ लेता है अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए इसमें अगर वुडवर्थ की बात करें Mark, की बात करें तो उन्होंने क्या का है? कारकों को शामिल किया जाता है जिन्होंने जीवन शुरू करने के बाद व्यक्ति पर प्रभाव डाला है और डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं कि बच्चे पर पर्यावरण का प्रभाव मां के गर्भ में पलने से ही शुरू हो जाता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में आता है ना तब से ही पर्यावरण के आसपास के माहौल का प्रभाव शुरू होने लगता है तो इसलिए तो कहते हैं ना कि जब बच्चा पेट में रहता है कि यार अच्छी बातें बोलो अच्छा खाना खाओ बुरी बात मत बोलो नहीं तो बच्चे पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर आपको नेचर का भी मतलब समझ में आ गया नर्चर का भी मतलब समझ में आ गया अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर की मानव व्यक्तित्व प्रकृति और पालन पोषण का ही उत्पाद इन्हीं के फलस्वरूप आज जो है हम ठीक है इसी के फलस्वरूप हम हैं

करता है अगर उसको सही से पालन पोषण ना दिया जाए तो बच्चा कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता और अपना रास्ता भटक सकता है तो नेचर प्रोवाइड बेसिक एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज व्हिच आर डेवलप्ड बाय नर्चर की प्रकृति मूलभूत योग्यताएं और क्षमताएं प्रदान करती है जो पालन पोषण द्वारा विकसित होता है तो देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति का 20% जो विकास है उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है और एट्टी परसेंट जो विकास है वो पर्यावरण का परिणाम होता है तो एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक हम सीड की बात करते हैं बीज की बात करते हैं तो देखिए एक बीज में ठीक है एक बीज में पूरा एक पेड़ बनने की क्षमता होती है लेकिन वो पेड़ कब बनेगा जब उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उसे सोइल मिलेगी उसे केयर मिलेगा उसे वाटर मिलेगा उसे फर्टिलाइजर मिलेगा जब उसे एक अच्छा माहौल मिलेगा तभी तो वो पेड़ बनेगा लेकिन अगर उसे एक अच्छा माहौल नहीं मिला उसको एक अच्छी केयर नहीं मिली तो कभी भी वो बड़ा पेड़ नहीं बन सकता वो मुरझा कर सूख जाएगा खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार उचित पालन पोषण के अभाव में बालक की जनजात क्षमताएं विकसित नहीं हो सकती तो इसलिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नेचर ठीक है नेचर के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो क्वालिटी है उसके पेरेंट्स से मिली है लेकिन हम जो नर्चर है जो एनवायरमेंट है उसको बदलकर बच्चों को एक सही गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं उसको सही चीजें हम सिखा सकते हैं तो इसलिए इसकी जो नॉलेज है इसका ज्ञान है पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है और आप सबको भी यही चीज़ बताई जा रही है पढ़ाई जा रही है आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो और आप बच्चों को सही प्रकार से गाइड कर सकें आप ही जान सकें कि अगर क्लास में बच्चे अलग अलग हैं कोई बहुत शांत है कोई पढ़ने में बहुत तेज है कोई पढ़ने में तेज नहीं है तो ऐसा क्यों है तो इसके पीछे का कारण क्या है उनका नेचर एंड नर्चर उनकी हेरिटीज उनका एनवायरमेंट तो एज ए टीचर आपको उन कारणों को समझ कर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे हैं सही रास्ते पर उनको आगे बढ़ाया जा सके उनकी जो गलत आदतें हैं उसको ठीक करके उन में जो सही आदतें उसको डेवलप किया जा सके अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो मैन लर्न टू बिहेव गुड और बैड बिकॉज ऑफ हिज नेचर एंड एनवायरमेंट के मनुष्य अपनी प्रकृति और परिवेश के कारण ही अच्छा या बुरा व्यवहार करना सीखता है कोई अच्छा व्यवहार करता है बच्चा है क्लास में तो मतलब उसके आसपास का एनवायरमेंट उसके घर का एनवायरमेंट अच्छा है लेकिन कोई अच्छा बच्चा जो है कोई बच्चा क्लास में है अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करता वो गाली ग्लोज करता है लड़ाई झगड़ा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा दोषी है वो बच्चा गिल्टी है मतलब ये है कि उसको जो एनवायरमेंट मिल रहा है ना जिस जगह से बच्चा आ रहा है वो एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो है। टीचर का काम है कि इन चीजों को जाने इन चीजों को पहचाने और बच्चों को सही मार्गदर्शन दे ठीक है नहीं की बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसको मारे पीटे उसको धमकाए और इस तरह से चीजें नहीं है पहले कारण जानें कि भाई क्या कारण है किस एनवायरमेंट से आ रहा है बच्चों को किस तरह का माहौल मिल रहा है तो नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स नेचर एंड एनवायरमेंट इज इंपोर्टेंट फॉर द टीचर की शिक्षक के लिए बच्चों की जो प्रकृति है उनका जो नर्चर है परिवेश है उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है तभी तो बच्चों को सही प्रकार से गाइड कर सकते हैं तभी तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो दिस गिव टीचर नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस तो इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पता चलता है दे कैन बिकम फेमिलियर विद द ऑफ द चाइल्ड कि वे बालक की जनजात गुणों से परिचित हो सकते हैं और इसके आधार पर बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं उनकी एबिलिटीज के आधार पर कि कौन सा बच्चा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है कौन सा बच्चा खेलने में अच्छा है कौन सा बच्चा बच्चा जो है अदर एक्टिविटीज में अच्छा है उस हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट कर उनको सही मार्गदर्शन करके सही अपॉर्चुनिटी देकर बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है तो स्टूडेंट गेट प्रोपर एजुकेशनल एनवायरमेंट के विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक वातावरण प्राप्त होता है स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाता है और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट आर सॉल्व के विद्यार्थियों की जो समायोजन समस्या है उसका समाधान होता है और इन बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ लंदन कैन बी रिड्यूस की विद्यार्थियों की व्यवहार संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है कब ये सब पॉसिबल है ये सब तभी पॉसिबल है कि जो नेचर है नर्चर है आपको उसके बारे में पता हो अब जो क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि बच्चे सब बच्चे अलग अलग हैं ठीक है तो उसका कारण क्या है उनका नेचर है उनकी हेरिटी है उनका नर्चर है उनका एनवायरनमेंट है तो ये सारी चीजें हमें पता चलेगी तभी तो हम बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं उनको जो उनके अंदर जो एक गलत एक्टिविटीज है उसको हम ठीक करके सही एक्टिविटीज या पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों को हम चीजें सिखा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने नेचर के बारे में जाना हमने नर्चर के बारे में जाना तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की डेवलपमेंट और लर्निंग विकास और अधिगम दोनों में क्या रिलेशनशिप है दोनों में क्या संबंध है तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लर्निंग की बात करेंगे फिर हम डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों में क्या रिलेशनशिप है दोनों में क्या संबंध है तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और अगर हम लर्निंग की बात करें तो देखिए इससे पहले की वीडियो में भी हम लर्निंग के बारे में जान चुके हैं कि लर्निंग क्या है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन

ठीक है कि स्किल और नॉलेज इसको गेन करना कैसे गेन करना बाय स्टडिंग प्रैक्टिसिंग और एक्सपीरियंसिंग कि इसको पठन अभ्यास या अनुभव करके ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है गतिविधि है इसी तो हम अधिगम कहते हैं लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस की अधिगम कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है जो लर्निंग है हमेशा चलती रहती है हर रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द चाइल्डहुड पीरियड बट इट गोज विथ लाइफ की ये सिर्फ बचपन तक खत्म नहीं होती ये ऐसा नहीं कि आपका स्कूल खत्म हुआ कॉलेज खत्म हुआ तो आपकी लर्निंग खत्म हो गई नहीं हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं तो ये बचपन तक खत्म नहीं होती पूरे जीवन के साथ चलती रहती है इट इज कंसर्न एक्विजिशन ऑफ नॉलेज कौशल और मूल्यों के ग्रहण करने से संबंधित है तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि लर्निंग सीखना या अधिगम क्या होता है अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो देखिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो ट्वेल्थ तक जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का अलग मतलब होता था जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते थे तो वहाँ का जब डेवलपमेंट की बात करते थे तो वहाँ पर चाहे हम नेशनल इनकम की बात करें हम देश की तरक्की की बात करें ठीक है हम टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है हम उसकी बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब अलग होता था लेकिन जब हम एजुकेशन में आ गए हैं ना हम बी में आ गए हैं डी में आ गए हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब अलग है यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से है तो जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर साइकोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में दोनों में डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट की बात लेते हैं तो वहाँ पर मेन क्या आता है इनकम आता है इंफ्रास्ट्रक्चर आता है लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट तो ये सारी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो यहाँ पर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट की बात करेंगे डेवलपमेंट को जानेंगे तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना व्हाट इज डेवलपमेंट तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपको डेवलपमेंट के बारे में पता होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस की विकास एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ की विकास में मानव जीवन के सभी पहलू शामिल है इसमें चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें सोशल डेवलपमेंट की बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट में आती है तो इसलिए हम कह रहे हैं डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो तब से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है और आखिरी टिल डेथ तब तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है जो हमारे फिजिकल जो चेंजेस आते हैं उसका मतलब उससे होता है जो 18-20 साल की उम्र तक चलता है उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है लेकिन जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट पूरी लाइफ टाइम चलता है तो ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है तो जब हम डेवलपमेंट uh, की बात करते हैं यहां पे फिजिकल डेवलपमेंट आता है यहां पे सोशल डेवलपमेंट आता है यहां पर मेंटल डेवलपमेंट आता है यहां पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आता है यहां पे लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है यहां पे स्किल डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर चलती रहती है कभी खत्म नहीं होती थ्रू दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन की इसके द्वारा मनुष्य में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास होता है तो देखिए जब हम क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जो डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ उसकी हम बात करते हैं तो इसको आप मेजर कर सकते हैं जैसे हाइट कितनी हो गई है वेट कितना हो गया है ठीक है तो इसको आप मेजर कर सकते हैं लेकिन जब हम क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं गुणात्मक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चाहे हमारा सोशल डेवलपमेंट है हमारा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट है तो इसको मेजर नहीं करना पॉसिबल नहीं होता तो इसलिए डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है और क्वालिटेटिव भी होता है जिसको मेजर Uh, करना मुश्किल होता है तो न्यू एबिलिटी इन द पर्सन की व्यक्ति में नई क्षमताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं कैसे डेवलपमेंट के द्वारा कि धीरे धीरे बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे सीखता है सीखते सीखते उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है सोशल डेवलपमेंट होता है तो हर रोज बच्चा कुछ नई चीज़ें सीखता है ठीक है उससे उसके चाहे हम कैरेक्टर की बात करें चाहे उसकी हम एबिलिटीज़ की बात करें तो वो चीज़ उसमें दिखती है एक रोज़ हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद पेट के बल खिस सकता है धीरे धीरे बैठने लगता है बैठने के बाद धीरे धीरे बच्चा खड़ा होने लगता है चलने लगता है भागने लगता है बोलना सीखता है चीज़ों को समझना सीखता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि न्यू कि व्यक्ति में नई क्षमताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं। इट इज थ्रू डेवलपमेंट दैट प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स इन पर्सन बिहेवियर की विकास के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसके बॉडी uh, में चेंज आता है उसके शरीर में परिवर्तन आता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता, आता है उसके उसके बोलने के के तरीके तरीके में में परिवर्तन परिवर्तन आता आता है है समझने उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है उसका डेवलपमेंट होता है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इट इज थ्रू डेवलपमेंट डेट प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स इन अ पर्सन बिहेवियर के विकास के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आता है आज की डेट में आप खुद को अगर देखेंगे ना तो स्कूल में आपका जो बिहेवियर था अलग होगा कॉलेज में आके आपने नई चीजें सीखी आपके बिहेवियर में चेंज आया अब आप बीएड कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में आए हैं तो आपका बिहेवियर और उसमें काफी चेंजेस आपको देखने को मिलता है तो डेवलपमेंट इनवॉल्व प्रोसेसेस दैट आर इंफ्लुएंस बाय नेचर एंड नर्चर के विकास में वो क्रियाएं शामिल हैं जो प्रकृति मतलब जो हमें बाय बर्थ मिलती है हमारे जो पेरेंट हैं उनसे जो क्वालिटी से हमें मिलती है और पालन पोषण हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से जो जो हम सीखते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं तो डेवलपमेंट इन प्रोसेस डेट आर इन्फ्लुएंस बाय नेचर एंड नर्चर के विकास में सारी प्रक्रियाएँ शामिल हैं है जो प्रकृति है और पालन पोषण से प्रभावित होती है अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के विकास और अधिगम में क्या संबंध है दोनों में क्या रिलेशनशिप है तो जब हम दोनों की रिलेशनशिप की बात करते हैं ना तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग हैव अ डीप रिलेशनशिप विथ ईच अदर कि विकास और अधिगम का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है क्या गहरा संबंध है इसको भी जान लेते हैं लर्निंग अकर्स विद डेवलपमेंट कि विकास के साथ अधिगम होता है मतलब बच्चा धीरे-धीरे पैदा होता है धीरे-धीरे बढ़ता है तो धीरे-धीरे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है तो विकास के साथ अधिगम होता है धीरे-धीरे बच्चा हर रोज कुछ नया सीखता है बच्चे का विकास हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है और रोज कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहा है तो डेवलपमेंट किसके साथ हो रहा है विकास के साथ हो रहा है सॉरी uh, डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है अधिगम के साथ हो रहा है तो लर्निंग अकर्सविथ डेवलपमेंट के विकास के साथ अधिगम होता है और डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग के अधिगम के द्वारा ही विकास होता है धीरे धीरे बच्चा अब इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग के अधिगम के द्वारा विकास होता है कैसे विकास होता है बच्चा धीरे धीरे जब दुनिया में आ जाता है हर रोज देखता है अपने बड़ों को देखता है बात करते हुए देखता है तो उनसे धीरे धीरे उनको ऑब्जर्व करता है पहले ठीक है और धीरे धीरे वो पेरेंट जो है बच्चों को कहते हैं तुम ये बोलो वो बोलो धीरे धीरे कोशिश करता है मतलब हर रोज कुछ सीखने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है तो उससे हम जैसे देखो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट होता है ठीक है बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो किस तरह से हो रहा है लर्निंग के थ्रू हो रहा है डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन इसमें क्या चीजें आ रही है लर्निंग तो हर रोज बच्चा कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है कुछ ना कुछ सीख रहा है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है डेवलपमेंट का एक हिस्सा है लेकिन कैसे हो रहा है लर्निंग के थ्रू बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है बोलना सीख रहा है पढ़ना सीख रहा है तो इस तरह से क्या है कि बच्चे का जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है इसी तरह से हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चा घर से धीरे धीरे समाज में निकल रहा है समाज में लोगों को देख रहा है उनके साथ बातचीत कर रहा है और धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि समाज में कैसे रहना है कैसे लोगों के साथ काम किया जाता है कैसे बात की जाती है कैसे व्यवहार किया जाता है तो इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है चीजों को देख रहा है नई नई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग स्कूल में जा रहा है अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ रहा है जान रहा है तो उसका कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चा चाहे न्यूज में देखे चाहे किताबों में पढ़े चाहे उसके टीचर बताएं कि भाई तुम्हें क्या खाना है किस तरह से रहना है तुम्हारी डाइट कैसे होनी चाहिए एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए तो धीरे धीरे देर उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग के अधिगम के द्वारा ही विकास होता है पहले हमने जाना कि लर्निंग अकर्स विद डेवलपमेंट की विकास के साथ साथ अधिगम हो रहा है बच्चे का धीरे धीरे विकास हो रहा है और उसके साथ बच्चा नई नई चीजें सीख रहा है ठीक है दोनों साथ चल रहे हैं और यहाँ पर दूसरी चीज है कि डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग के अधिगम के द्वारा ही विकास हो रहा है तो इस तरह से दोनों का जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो बहुत ही गहरा संबंध है और लर्निंग हेल्थ इन फिजिकल डेवलपमेंट के अधिगम शरीर शारीरिक विकास में सहायक है हम जब शारीरिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे शारीरिक विकास हाँ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं फिजिकल ग्रोथ हो रहा है और साथ के साथ क्या खाना है कैसे रहना है कौन सी एक्टिविटीज करनी है ठीक है तो इस तरह सारी चीजें जो बच्चा है अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है सारी चीजें बच्चे को पता चलिए कैसे पता चलिए लर्निंग के थ्रू पता चलिए तो लर्निंग हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट के अधिगम शारीरिक विकास में सहायक के बच्चा फिजिकली अवेयर हो रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या खाना, चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए लर्निंग हेल्प इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अधिगम बौद्धिक विकास में भी सहायक है बच्चा हर रोज कुछ नया सीख रहा है अपनी

अपने सोसाइटी में जाता है लोगों को इंटरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट करता है स्कूल्स में भी है कि बच्चे अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं उनको उनसे इंटरेक्ट करता है किस तरह से ग्रुप में रहा जाता है किस तरह से काम किया जाता है तो वो चीजें उसको लर्निंग के थ्रू ही पता चलती है ना तो लर्निंग इज हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट के अधिगम सामाजिक विकास में सहायक है इसके अलावा लर्निंग इज हेल्पफुल इन लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अधिगम भाषाई विकास में भी सहायक है कि जब हम डेवलप लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो ये भी कैसे होता है लर्निंग के थ्रू होता है बच्चा हर रोज लैंग्वेज को पढ़ना सीख रहा है लैंग्वेज को बोलना सीख रहा है तो लिखना सीख रहा है तो इस तरह से लर्निंग के थ्रू ही बच्चों का क्या है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और लर्निंग लर्निंग इज हेल्पफुल इन कल्चरल डेवलपमेंट लर्निंग हेल्प्स इन मॉरल डेवलपमेंट लर्निंग हेल्प्स इन कैरेक्टर डेवलपमेंट लर्निंग हेल्प्स इन स्किल डेवलपमेंट तो ये सारी जो डेवलपमेंट के अलग अलग जो हम हिस्से देख रहे हैं पार्ट देख रहे हैं वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं लर्निंग के थ्रू तो यहाँ पर हम चीजें क्या हमें समझ में आ रही कि लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इसके अलावा डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस की जैसे हमने बात की लर्निंग कभी खत्म नहीं होती हमेशा चलती है तो डेवलपमेंट भी कभी खत्म नहीं होता हमेशा चलता रहता है फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाता है लेकिन जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ें कभी नहीं खत्म होती हमेशा चलती रहती है बोथ आर नॉट लिमिटेड टू चाइल्ड हुड कंटिन्यू फॉर एवर कि दोनों ही बचपन तक नहीं सीमित होते जिंदगी भर चलते रहते हैं एंड द नेचर ऑफ बोथ इज़ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटी की दोनों की प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक होती है तो डेवलपमेंट के बारे में तो आपको पता चल गया कि जब हम फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं जो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है तो वहाँ पे हम क्वान्टिटी की बात करते हैं कितना वेट है कितनी हाइट है और जब क्वालिटी की बात करते हैं तो चाहे है हम लैंग्वेज की बात करें चाहे हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें सोशल डेवलपमेंट की बात करें मॉडल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सब क्या है क्वालिटेटिव उसी तरीके से हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग में भी हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव क्वालिटि क्वांटिटी की बात करते हैं तो बच्चे ने कितना सीखा तो उसको मार्क्स के रूप में इवेलुएट किया जाता है लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है उसकी नॉलेज आती है उसका बिहेवियर आता है वो सारी चीज़ें किस में आती हैं क्वालिटी में आती हैं तो दोनों ही क्वेंटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं इसके अलावा बोथ आर रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ की दोनों का संबंध मानव जीवन के सभी पहलुओं से है चाहे चाहे हम 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 फिजिकल डेवलपमेंट 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 की 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 बात 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 करें 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 सोशल लिंग्विस्टिक कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें करे, करे, तो दोनों का ही संबंध मानव जीवन के सभी पहलुओं से है बोथ आर रिलेटेड टू द नॉलेज स्किल एंड वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल की दोनों ही व्यक्ति के ज्ञान कौशल और मूल्यों से संबंधित हैं एंड बिहेवियर इज मोडिफाइड थ्रू बोथ की दोनों के ही द्वारा हमारे में संशोधन होता है परिवर्तन होता है तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि लर्निंग क्या होती है डेवलपमेंट क्या है और दोनों में क्या संबंध है तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं चाहे हम फिजिकल फैक्टर की बात करें चाहे हम सोशियो सोशियोकलचर फैक्टर की बात करें चाहे हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें इकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें ये सभी की सभी बच्चे के डेवलपमेंट पर उसके विकास पर, पर प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है ये प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है इसलिए हम देखते हैं कि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है उसका व्यवहार अलग होता है बात करने का तरीका अलग होता है उसकी आ, सोचने समझने का तरीका अलग होता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं इसी वजह से हमें इंडिविजुअल डिफ्रेंस देखने को मिलते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डेवलपमेंटल इन्फ्लुंसिस की बात करेंगे जो बच्चों की पर्सनैलिटी पर अपना प्रभाव डालते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और डेवलपमेंटल इंफ्लुएंसिस को जानने से पहले एक बार हम फिर से डेवलपमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट विकास क्या है तो डेवलपमेंट development... इज अ कंटीन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस की विकास एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जान लिया था कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जिसमें ह्यूमन लाइफ के सभी पहलू हैं शामिल हैं चाहे हम फिजिकल बात करें चाहे मेंटल बात करें लैंग्वेज बात करें सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बात करें इस सारी की सारी जो चीजें हैं ये डेवलपमेंट का ही हिस्सा है थ्रू दिस क्वेंटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस की इसके द्वारा ही मनुष्य में मात्रात्मक या गुणात्मक विकास होता है तो जैसे हमने पहले भी बात की कि क्वेंटिटेटिव डेवलपमेंट मतलब हम बात करें यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बच्चों की हाइट क्या है बच्चों का वेट क्या है और क्वालिटेटिव की बात करें तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है चाहे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें चाहे हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है इट इज़ थ्रू डेवलपमेंट दैट प्रोग्रेसिव चेंज अगर इन अ पर्सन बिहेवियर की इसी के द्वारा बच्चों के व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है डेवलपमेंट इन वॉल्स प्रोसेस डेट आर इन्फ्लुएंस बाय नेचर एंड नर्चर की विकास में वो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो प्रकृति और पालन पोषण से प्रभावित होती हैं तो हम बच्चे की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो बच्चे के चाहे हेरिटी हम नेचर की बात करें जो बच्चे के वो, जो क्वालिटीज़ हैं जो उनके बाय पेरेंट्स बाय बर्थ बच्चों को मिले हैं उनके पेरेंट्स से या हम नर्चर की बात करें कि पैदा होने के बाद बच्चों का किस तरह से पालन पोषण हुआ उनको किस तरह का एन्वायरमेंट मिला चाहे फैमिली का चाहे आस पड़ोस की हम बात करते हैं चाहे स्कूल की बात करते हैं उसका बच्चों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस की विकासात्मक प्रभाव तो जब हम डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं किस तरह से एक बच्चे के डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं तो इसमें फर्स्ट है फिजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट कि विकास पर बच्चे के विकास पर क्या शारीरिक प्रभाव पड़ता है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की हम बात करेंगे कि इनका बच्चों के डेवलपमेंट पर किस तरह से असर पड़ता है तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट की बच्चों के विकास पर ठीक है बच्चों के विकास पर शारीरिक प्रभाव किस तरह से पड़ता है तो दिस कैन इफेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिफरेंट वे कि बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं स्वस्थ शारीरिक प्रभावों को बढ़ावा देकर बच्चों को एक मजबूत विकासात्मक शुरुआत दी जा सकती है तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इन्फ्लुएंस जो फिजिकल इन्फ्लुएंसिस ऑन डेवलपमेंट के शारीरिक जो विकास पर शारीरिक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं तो कौन कौन से हैं हेरिटी तो देखिए आप देखिए आप देखेंगे कि कुछ बच्चे मोटे होते हैं कुछ बच्चे छोटे होते हैं कुछ बच्चे लंबे होते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है हेरिटी मतलब हम देखते हैं ना कि जो क्वालिटीज बच्चों को बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिली है जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं हाइट में लंबे होते हैं वो बच्चे भी लंबे होते हैं देखते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की हाइट कम होती है वो बच्चे भी नॉर्मली हम देखते हैं कि उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बच्चों के पेरेंट्स में कोई बीमारी है मोटापे की तो वो बच्चों में भी हमें देखने को मिलती है ठीक है एक तो है कि हेरिटी का बच्चों के शरीर पर प्रभाव पड़ता है दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन भोजन एवं पोषण चलो पैदा हुए बच्चे पैदा होने के बाद जो क्वालिटीज उनको पेरेंट्स से मिली है उसमें तो चेंजेस परिवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन अगर हम बात करें बच्चों को अच्छा भोजन मिले ठीक है उनको फूड मिले न्यूट्रिशन मिले तो कहीं ना कहीं उनका जो शारीरिक विकास है एक सकारात्मक तरीके से हो सकता है तो जिन बच्चों को फूड न्यूट्रिशन की बात करें उनको अच्छा मिलता है अच्छा खाना मिलता है अच्छा भोजन मिलता है तो उन बच्चों का जो शारीरिक विकास एक पॉजिटिव वे में होता है और इसके अलावा हम भी ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो हेल्दी फूड खाते हैं तो फिजिकली हेल्दी होते हैं जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं जंक फूड खाते हैं वो शारीरिक रूप से उतने वीक होते हैं इसके अलावा डिपेंड करता है फ्रेश एयर सनलाइट आपको ताज़ी धूप मिल रही है हवा मिल रही है तो आप किस तरह के एनवायरमेंट में किस तरह के वातावरण में है तो ये भी आपके शरीर पर प्रभाव डालती है एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ आप एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं इसके अलावा चाइल्ड रेलिंग प्रैक्टिस की बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं कि आपके घर में है आपकी उचित देखभाल की जाती है कि नहीं आपको चलो जो खा भोजन मिल रहा है तो वेजिटेबल्स हैं आप वो खा रहे हैं कि नहीं आप मिल्क बहुत सारी इस तरह से चीज़ें कि आपका सही तरीके से उचित रूप से देखभाल किया जा रहा है कि नहीं आपके पेरेंट्स के थ्रू तो इस सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चों कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है उस पर अपना प्रभाव डालती है अगर एक पॉजिटिव तरीके से सारी चीजें बच्चों को मिलेंगी तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है पॉजिटिव वे में होगा लेकिन अगर ये चीजें सही तरीके से बच्चों को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चे शारीरिक रूप से उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते वीक होते हैं फिर अगर हम सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करें कि इसका बच्चों के डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है तो दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थॉट्स बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ चिल्ड्रेन विद इन द सोसाइटी की यह कारक समाज के भीतर बच्चों के विचार व्यवहार और भावना को प्रभावित करते हैं तो देखिए जब हम सो, सो, सोशियो कल्चरल इंफ्लुएं की बात करते हैं ना तो एक परिवार एक बच्चा जो है परिवार से बाहर निकल के सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी को देखता है और देखता है जिस तरह से सोसाइटी होती है उसी तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होता है अगर सोसाइटी में अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं बच्चों को समझाने वाले बताने वाले अच्छे लोग हैं तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है एक पॉजिटिव वे में होता है अगर ये बच्चों को एक अच्छा माहौल नहीं मिलता एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है गलत आदतों को सीख जाता है तो दिस इंक्लूड्स लैंग्वेज लॉ रिलीजन वैल्यूज़ फैमिली कम्युनिटी ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं देखिए तो सबसे पहला अगर हम कहते ना कि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है उसका घर होता है और उसके पहले टीचर होते हैं उसकी माँ होती हैं उसके पिताजी होते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपके परिवार में कितने लोग हैं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है ठीक है वो आपको अच्छे से गाइड करने वाले सिखाने वाले हैं कि नहीं है अक्सर हम देखते हैं अगर जैसे बच्चों को परिवार में जैसा माहौल मिलता है आगे चलकर परिवार का जो माहौल है वही उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है अगर परिवार में परिवार के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो बच्चे में इस तरह की जो फीलिंग है एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती है मिलकर रहना साथ चलना सच बोलना लेकिन अगर घर में ही देखते हैं कि परिवार के लोग ही आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं झूठ बोलते हैं और जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी बच्चों पर प्रभाव पर पड़ता है ठीक है दूसरा हम देखते है, नेवर हैं नेबरहुड एंड कम्युनिटी कि बच्चों का आस पड़ोस कैसा है अगर आपका आस पड़ोस ठीक है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है पॉजिटिव तरीके से होगा लेकिन अगर आस पड़ोस का जो माहौल है अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत चीजें सीखेगा इसके अलावा कल्चर ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी का क्या कल्चर है वहाँ पे लोगों का बात व्यवहार किस तरीके का है वहाँ पे लोग मिलकर चलने वाले हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं तो किस तरह का कल्चर है किस तरह के त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते हैं किस तरह की भाषा बोली जाती है तो इन चीज़ों इन सभी चीज़ों का बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है रिलीजन हम रिलीजन की बात करें तो देखिए हर बच्चा किसी न किसी रिलीजन से आता है तो अब रिलीजन का मतलब क्या है बच्चों को क्या चीज़ें सिखाई जा रही है हम अक्सर कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो बच्चों को धर्म के नाम पर बच्चों को कट कट्टरपंथी बनाया जा रहा है या बच्चों को एक धर्म का जो एक सकारात्मक पक्ष है कि भाई सभी के साथ मिलकर रहना है ईमानदारी से अपना काम करना है सभी को अपने भाई की तरह देखना है सभी से प्यार करना है मोहब्बत करना है तो धर्म की किस तरह की परिभाषा बच्चों को सिखाई जा रही है उसका भी बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है लैंग्वेज देखिए लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना कि लैंग्वेज जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे पहले इशारों में अपने घर में घर के लोगों से बात करता है धीरे धीरे वो भाषा सीखता है तो बच्चे का आगे बढ़ना उसका विकास उसकी तरक्की उसका बौद्धिक विकास वो भाषा पर निर्भर करता है जिस बच्चे का भाषाई ज्ञान जितना अच्छा होता है वो बच्चा हम देखते हैं पढ़ने लिखने समझने में अच्छा होता है लेकिन जिन बच्चों का भाषा ही ज्ञान इतना अच्छा नहीं होता जो बच्चे गलत शब्द सीखते हैं जो बच्चे सही शब्द सीखते हैं उनके बोलने के तरीके से ही हमें पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की भाषा उनके भाषा ही ज्ञान का भी उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है और देखिए मास मीडिया की बात करें ना तो मास मीडिया एक ऐसी चीज है जो बच्चों पर बच्चों के दिमाग पर बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव डालती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशियो कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसका किस तरह से बच्चों के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है तो फिर चाहे फैमिली बैकग्राउंड है चाहे नेबरहुड है चाहे कल्चर है सोसाइटी का चाहे रिलीजन है चाहे लैंग्वेज है चाहे मास मीडिया ये सब जो बच्चों के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है सकारात्मक पड़ता है तो बच्चा एक सही दिशा में आगे बढ़ता है लेकिन अगर नकारात्मक पड़ता है तो बच्चा अक्सर देखते हैं वो गलत आदतें अपना लेता है उस उसका जो एक कैरेक्टर है उसका जो व्यक्तित्व है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है फिर अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस और डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आर्थिक देखिए हम सोसाइटी में अक्सर देखते हैं कुछ बच्चे हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं कुछ बच्चे बिल्कुल गरीब फैमिली से आते हैं कुछ मिडिल क्लास से आते हैं कुछ जो हम देखते हैं अपर जो मिडिल क्लास है जो अमीर वर्ग है वहाँ से आते हैं तो हर बच्चे का अपना रहन सहन बोल चाल अलग होता है जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि अपनी हायर एजुकेशन तक पहुँच पाएँ दो टाइम का जिसको खाना नहीं मिलेगा वो किस तरह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा वो बेचारा स्कूल में जा रहा है फिर स्कूल से घर आकर मजदूरी कर रहा है अलग अलग काम धंधे पे कोई सब्जी बेच रहा है कोई गुब्बाड़े बेच रहा है ठीक है तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसका इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड किस तरह का है उसकी सारी नीड पूरी हो रही है कि नहीं और या बच्चा दो रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो इन चीज़ों का भी बच्चों के जो हम देखते हैं ना कि डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के आर्थिक कारक बच्चे के विकास पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं तो चिल्ड्रेन कोस्ट मनी कि बच्चों को पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि चाहे हम उनके एजुकेशन की बात करें घर की बात करें खाने की बात करें कपड़े की बात करें हर चीज़ पर पैसा खर्च होता है तो सबसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं फैमिली की इनकम क्या है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है पोवर्टी गरीबी पुअर डाइट तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं न बच्चों के डेवलपमेंट पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं अगर इनकम अच्छी ना है ठीक है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है बच्चा बहुत काफ़ी मतलब गरीब परिवार से आ रहा है गरीबी ज़्यादा है खाने को सही तरीके से नहीं मिलता तो अक्सर देखो ऐसे जो बच्चे हैं उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता उनको हर चीज़ की किल्लत होती है कमी होती है कहते हैं ना सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो गरीबी है और जिन बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उनका जो है आप फिज़िकल डेवलपमेंट देखेंगे और ये सारी चीज़ें अलग ही होंगी देखिए ऐसा नहीं है कि जिनके पास इनकम नहीं है वो आगे नहीं बढ़ते बढ़ते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ बच्चे हैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी मंजिल को पा लेते हैं और कुछ बच्चे इसी गरीबी की मार में बेचारे दब कर रह जाते हैं देखिए हम एक सिंपल सा एक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे ओलंपिक्स में बड़े बड़े जो तैराक हैं जाते हैं ठीक है अब अगर हम भारत की बात करें यहाँ पे अगर आप विलेज साइड में जाके देखेंगे ना जो नदी के आसपास के इलाकों में गांव के बच्चे रहते हैं आठ आठ साल के बच्चे हैं पूरी नदी पार कर जाते हैं लेकिन उनके पास वो रिसोर्स नहीं है उनके पास वो पैसे नहीं है कि वो आएँ और इस फील्ड में भी ट्रेन कर सक ट्रेनिंग ले सकें और आगे बढ़ सकें नहीं तो हम देखते हैं कि शहरों शहर साइड में स्विमिंग पूल छोटे से होते हैं उसमें बच्चों को तैराने की प्रैक्टिस की जाती है लेकिन गाँव साइड में देखें तो बच्चे हम देखते हैं आठ आठ नौ नौ साल की उम्र में पूरी नदी जो है पार कर जाते तो टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन जब बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होता तो बच्चा कहीं ना कहीं वो टैलेंट खो जाता है फिर अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट की इकोलॉजिकल uh, पारिस्थितिक प्रभाव क्या पड़ता है तो ये भी डिपेंड करता है ना कि बच्चा कहाँ रहता है उसके आसपास का होम एनवायरनमेंट कैसा है स्कूल कै, एनवायरनमेंट कैसा है इस सारी की सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है तो दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू तो वेयर द चाइल्ड लिव्स प्ले स्टडी और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ इट इज यूज टू एग्जामिन द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम इंपोर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड की इसका उपयोग बचपन के दौरान महत्वपूर्ण विभिन्न प्रणालियों के बीच पारस्परिक प्रभावों की जांच करने के लिए किया जाता है तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं फिर लोकेशन है कि आपका घर किस जगह पे है आप जो है पहाड़ों में रहते हैं रेगिस्तान में रहते हैं आप शहर में रहते हैं आप गाँव में रहते हैं इसका आपके जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ठीक है अब देखिए गांव साइड में अगर शहर साइड की अगर लाइफ की बात करें ना तो जब हम ही एरिया की बात करते हैं हम विलेज एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चा बचपन से ही चीज़ों को खुद से करता है वहाँ पे बच्चा हर चीज़ के लिए दूसरे जैसे शहर के लोग अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं लेकिन अगर विलेज साइड में जाएंगे तो वहाँ पर है कि खुद करना है खुद कमाना है खुद खाना है तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो लोग हैं उन, उन बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग से ही उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि खुद से करना है खुद से चीज़ों को सीखना है इसी तरह से एग्जांपल अगर लेते हैं तो विलेज साइड में बच्चे हैं वो खिलौने जो हैं वो खेलने के लिए ख़ुद से ही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे खुद ही खिलौने बना के खेलते हैं और शहर साइड में अगर कोई कोई खिलौना भी चाहिए तो आपको आपको निर्भर रहना पड़ता है दुकान से जाके खरीदोगे तो करोगे ठीक है दूसरी चीज़ है कि देखिए और इसके अलावा क्या है इसका डेवलपमेंट पे आपके बहुत प्रभाव पड़ता है ठीक है कि आप किस जगह पर रहते हैं आपके आसपास का वातावरण किस तरह का है आपके घर का वातावरण किस तरह का है आप जिस स्कूल में जाते हैं वहां का एनवायरमेंट किस तरह का है अक्सर देखते हैं ना कि बच्चों को अगर किसी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो आप कम से कम दस बार देखते हैं कि भाई स्कूल का एनवायरमेंट किस तरह का डिसिप्लिन है कि नहीं है तभी आप सोच समझ बच्चों का जो है एडमिशन uh, कराते हैं बाकी सोशल रिलेशनशिप किस तरह की देखिए अगर घर का माहौल अच्छा होगा आस पड़ोस का माहौल अच्छा होगा बच्चों का इंट्रैक्शन अच्छा होगा तो उसका जो सोशल रिलेशनशिप है धीरे धीरे एक सकारात्मक तरीके से होगा बच्चा ज़्यादा सोशल होगा लेकिन अगर ये चीज़ें नेगेटिव होंगी अच्छी नहीं होंगी बच्चों को एक अच्छा एन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता तो इसका भी बच्चों के डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है और लास्ट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें ठीक है तो टेक्नोलॉजी का भी बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है ठीक है अगर हम सकारात्मक की बात करें पॉजिटिव की बात करें तो देखते हैं कि बच्चा कम उम्र में ही हाथ में मोबाइल है लैपटॉप है वो पूरी दुनिया को देख लेता है जान लेता है समझ लेता है तो दुनिया का सारा ज्ञान उसके हाथ में होता है जब भी किसी चीज़ को जानना है तुरंत मोबाइल में टाइप किया यूट्यूब में टाइप किया सारी नॉलेज बच्चों के सामने आ जाती है तो बच्चों को जो नॉलेज पाना अब उसके लिए टीचर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता सारा ज्ञान बच्चों की मुठ्ठी में आ गया है लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें ना तो बच्चों की जो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता है पहले बक, बच्चा क्या करता था उसको अगर चीज़ों को जानना है समझना है तो क्या करता था बुक्स देखता था ढूंढता था पूरी बुक्स को पढ़ता था तब वो उसको चीज़ों के बारे में पता होता था तो इससे थी, उसकी जो मेमोरी है शार्प होती थी ठीक है उसकी जो याददाश्त है वो बढ़ती थी लेकिन आज टेक्नोलॉजी का टाइम है जो भी चाहिए तुरंत फोन में आ जाता है तो बच्चों की जो स्मरण शक्ति है ना याद करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है हो रही है और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मोबाइल uh, पर रहने से लैपटॉप पर रहने से बच्चा क्या है जो फिज़िकल जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं वो काफ़ी कम हो गई है ठीक है इसके अलावा आँखों में दर्द है अब कम उम्र में बच्चों के चश्मे लग जाते हैं और पहले बच्चों को खेल खेलना होता था तो घर तो के बाहर जाते थे ग्राउंड में जाते थे आजकल सारे गेम ही मोबाइल में हो गए हैं बैठ के खेलो तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो हेल्थ है कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग जो फैक्टर्स हैं किस तरह से बच्चों के जो डेवलपमेंट पर अपना असर डालते हैं तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर किसी के सीखने का अपना अलग तरीका होता है कोई देखकर जल्दी से सीख जाता है कोई सुनकर सीखता है और कोई कहता है कि नहीं जब मैं दूसरों से बातचीत करता हूँ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है तो कोई कहता है कि नहीं मैं लिख कर याद करता हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी का अपना सीखने का लर्निंग का एक अलग स्टाइल होता है एक अलग तरीका होता है आपका सीखने का तरीका अलग हो सकता है आपके फ्रेंड्स के सीखने का तरीका अलग हो सकता है तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाट इज लर्निंग स्टाइल्स की सीखने के अलग अलग तरीके जो लर्निंग स्टाइल्स हैं कौन कौन से हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपका अपना लर्निंग स्टाइल क्या है तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखिए अगर लर्निंग स्टाइल के बारे में हम जानते हैं तो लर्निंग स्टाइल्स आर डिफरेंट अप्रोचेस और वेस ऑफ लर्निंग की अधिगम की शैलियां अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण या तरीके हैं जैसा मैंने आपको बताया कि हर बच्चे का अपना सीखने का एक तरीका होता है एक अलग दृष्टिकोण होता है बच्चा वैसे ही सीखता है जैसे उसको सीखना पसंद होता है एक क्लास में अगर हम देखें अः चालीस बच्चे हैं तीस बच्चे हैं तो सबका अपना एक अलग अलग स्टाइल होता है अलग अलग सीखने का तरीका होता है कुछ कहते हैं मुझे जब मैं हूं, तो मुझे जल्दी से समझ में आता है कोई कहता नहीं जब मैं देखता हूं, तो मुझे जल्दी से समझ में आता है तो मुझे उससे जल्दी समझ में आता है तो इट रिफर्स टू स्टूडेंट्स मैथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू मटीरियल किसी विद्यार्थी की नई सामग्री को समझने की विधि को संदर्भित करता मैं पढ़ता तो मुझे जल्दी समझ में आता है दिस इज डिफरेंट स्टूडेंट लर्न की तरीका है जिससे विभिन्न विद्यार्थी सीखते हैं तो इट स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल कि इसमें किसी विद्यार्थी के अधिगम तरीके को शामिल किया जाता है इसके अलावा दिस अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न बेस्ट की विद्यार्थी को सर्वोत्तम अधिगम की अनुमति देता है तो इसलिए क्या करना चाहिए टीचर शुड असेस देयर स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल की शिक्षार्थी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की अधिगम जो शैली है उसका आकलन करना चाहिए मान लो एक क्लास की बात करते हैं कि अगर एक टीचर को पता है कि उसके क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से सीखते हैं कितने बच्चे हैं देख कर सीखते हैं कितने बच्चे हैं सुनकर सीखते हैं कितने बच्चे हैं कि क्लास में जो एक्टिविटीज होती है उसके माध्यम से सीखते हैं तो जब टीचर को पता होगा कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है तो उसी तरीके से तो टीचर क्या करेगा क्लास में जो है मेथड्स जो है अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा समझाएगा तो इससे क्या होगा कि जब बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है अगर उसी तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाए बच्चों को सिखाए बच्चों को एक्टिविटी कराए तो टीचर आसानी से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट भी ईजिली बच्चों के सामने बता सकता है उसको क्लियर कर सकता है और बच्चे भी आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं तो इससे टीचिंग भी इफेक्टिव होगी लर्निंग भी इफेक्टिव होगी तो इसलिए विद्यार्थियों की अधिगम शैली के अनुरूप ही शिक्षकों को कक्षा में शिक्षण के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सके अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर कर हम करी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है इन्होंने क्या कहा है लर्निंग स्टाइल के बारे में कि लर्निंग स्टाइल इज ए डिस्ट्रिकसिव एंड हैबिचुअल मैनर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज स्किल और एटीट्यूड थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस की अधिगम शैली अध्ययन या अनुभव के माध्यम से ज्ञान कौशल या दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक विशिष्ट और अभ्यस्त तरीका है और हर बच्चे का अपना अलग अलग तरीका होता है और फिर अगर हम हंड की बात करें तो लर्निंग स्टाइल डिस्क्राइब हाउ अ स्टूडेंट लर्न लर्न ही हैज की अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल बताता है कि एक विद्यार्थी कैसे सीखता है उसने क्या सीखा है इस पर बात नहीं की जाती इसमें बात क्या है क्वेश्चन क्या, क्या है कि बच्चे ने कै बच्चा कैसे सीखता है किन तरीकों से सीखता है तो यहाँ तक आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग स्टाइल क्या होती है अब हम बात करते हैं जो इसके टाइप्स हैं जो इसके प्रकार हैं, जो इसके तरीके हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल तो पहले आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए फिर एक एक करके हम इन पर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है विजुअल लर्निंग स्टाइल दृश्य अधिगम शैली फिर बात करेंगे ओरल लर्निंग स्टाइल श्रवण अधिगम शैली फिर हम वर्बल लर्निंग स्टाइल की बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे किनेस्टेटिक लर्निंग स्टाइल गतिज अधिगम शैली तो ये चार जो है लर्निंग स्टाइल हैं बेसिकली तो एक एक करके हम इन पे बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम विजुअल लर्निंग स्टाइल की बात करें दृश्य अधिगम शैली की बात करें तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का लर्निंग स्टाइल है तो विजुअल लर्नर रिफर टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन सच एज पिक्चर एंड ग्राफ्स पीपीटी एक्सट्रा एक्सेट्रा तो दृश्य शिक्षार्थी का तात्पर्य चित्रों और ग्राफ जैसे दृश्य चित्रों को देखने से है दे लाइक टू लर्न थ्रू पिक्चर स्लाइड एंड ग्राफ कि वे चित्र स्लाइड और ग्राफ के द्वारा सीखना पसंद करते हैं बोर्ड पर चीज़ें लिखी जाए और देख चीज़ों को सीख जाते हैं उनके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो उसको देख सीख जाते हैं उनके सामने पिक्चर्स ग्राफ दिखाया जाए तो उसको देख बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं तो दे हैव स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो चीज़ें वो देखते हैं उसको इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ें उनको याद हो जाती है तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है इस तरह के जो लर्नर है ठीक है उनकी बहुत स्ट्रोंग होती है और इस तरह के के जो बच्चे हैं किस किस करियर फील्ड को चूज करते हैं विजुअल आर्ट्स में जाते हैं मीडिया में जाते हैं तो अगर इस तरह के लर्नर्स को हम देखते हैं तो इनको लगातार कुछ ना कुछ देखने की आवश्यकता होती है देखकर सीखना पसंद करते हैं नहीं तो फिर क्या होने लगेंगे क्लास में बोर होने लगेंगे तो विजुअल लर्निंग स्टाइल या दृश्य अधिगम शैली आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है अब हम बात करते हैं और लर्निंग स्टाइल श्रवण अधिगम शैली तो एक किस तरह की अधिगम शैली है जहाँ पर बच्चा सुनकर सीखता है तो और लर्नर्स रिफर्स टू लिसनिंग की इस तरह के जो शिक्षार्थी हैं सुनना पसंद करते हैं क्लास में टीचर जो लेक्चर देता है टीचर जो बताता है बच्चा उसको सुनते ही बच्चे को याद हो जाता है बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाता है तो देखिए हर किसी को टीचर क्लास में जो लेक्चर देते हैं पढ़ाते हैं तो हर किसी के पल्ले बात नहीं पड़ती किसी के ऊपर से निकल जाती है लेकिन इस तरह के जो लर्नर्स हैं उनको इस तरह का जो इनकी लर्निंग स्टाइल है तो इस तरह के उनको लर्निंग पसंद है कि सामने वाला बोले और वो सुनकर चीज़ों को समझ जाते हैं सीख जाते हैं

और इसके अलावा एन ऑरल लर्नर्स एक्चुअली लर्न वेल थ्रू लेक्चर की श्रवण सीखने वाला वास्तव में व्याख्यान के माध्यम से लेक्चर के माध्यम से अच्छी तरह सीखता है और और एक खासियत क्या है कि वे अक्सर जो स्पीकर ने बोला ठीक है जो वक्ता ने बोला जो टीचर ने बोला उसे लगभग पूरी तरह से दोहरा सकता है तो हम देखते हैं ना क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर जो क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर ने जो बताया वो बच्चे तुरंत उसको रिपीट कर देते हैं उसको दोहरा देते हैं उसको बता देते हैं तो और लर्नर्स रियली लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक और इस तरह के जो लर्नर्स हैं उनको जो म्यूजिक है संगीत है वो सुनना भी पसंद होता है ठीक है तो यहां पर आपको ओवरऑल लर्निंग स्टाइल भी समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं वर्बल ठीक है तो वर्वल मौखिक तो अब इसको मौखिक मतलब क्या है बोलना तो इस तरह से जब हम वर्बल लर्नर्स की बात करते हैं ना तो यहाँ पर इंक्लूजन है किसका है रिटर्न का भी है स्पोकन का भी है लिखित और मौखिक दोनों ही चीज यहाँ पर शामिल है तो दे लाइक टू लर्न थ्रू डिस्कशन की वे चर्चाओं के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत के माध्यम से वो सीखना पसंद करते हैं आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो कहते हैं कि नहीं चलो एग्जाम आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि जो भी टॉपिक है आपस में डिस्कशन करते हैं बात करते हैं तो उससे हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा तो दे लाइक टू लर्न थ्रू डिस्कशन की वे चर्चाओं के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं दे लाइक रीडिंग एंड राइटिंग वे पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं पढ़ना ठीक है पढ़ेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे लिखेंगे पढ़ेंगे तो इन चीज़ों से जल्दी उनको याद होता है और इसके अलावा दे लाइक टू प्ले ऑन द मीनिंग ऑर साउंड ऑफ वर्ड्स कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जो वर्ड है ठीक है उसके साउंड को लेकर उसको उस पर गेम्स खेलते हैं चाहे हम टंग ट्विस्टर की बात करें चाहे हम रैम्स की बात करें तो वर्बल लर्नर्स नो द मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स की वे कई शब्द हैं ठीक है उनका जो शब्द भंडार बन, बन, होता है वो काफी होता है तो वो कई शब्दों के अर्थ जानते हैं और देर रेगुलरली ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स कि वे नियमित रूप से नए शब्दों के अर्थ खोजने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्बल लर्निंग स्टाइल भी समझ में आ गई होगी और लास्ट में हम बात करते हैं किनेस्टेटिक लर्निंग स्टाइल या गति शिक्षण शैली इसको आप फिजिकल लर्निंग स्टाइल भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इट रिफर्स टू तो होल बॉडी मूवमेंट कि यहाँ इसका तात्पर्य पूरे शरीर की गति से है। मतलब यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग बच्चा इंगेज होकर सीख रहा है बच्चा करके सीख रहा है ठीक है यहाँ पर बच्चे का हाथ पैर सब पूरी तरीके से यूज हो रहा है सीखने में तो दे लाइक टू यूज द बॉडी हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच कि वे शरीर हाथ और स्पर्श की अनुभूति का उपयोग करके सीखना पसंद करते हैं तो दे लर्न बेस्ट थ्रू अ प्रैक्टिकल अप्रोच उनको प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब करके सीखना ज़्यादा पसंद आता है तो आप में से बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे कि हाँ मैं जब खुद से करूँगा ठीक है तब तो मैं जल्दी से सीख सकता हूँ सिर्फ बैठ के सुनने देखने से मुझे समझ नहीं आता जब मैं खुद से करूँगा तो मैं जल्दी सीखूंगा तो दे लर्न बाय डूइंग एंड हैव अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इट कि वे कार्य करके सीखते हैं और इसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी अब बच्चों की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो तो बच्चा जल्दी सीखता है तो दे आर वेरी पुअर लिसनर कि वो उनको सुनना और ये देखना उतना उनको समझ में नहीं आता जब वो खुद से करते हैं तभी चीज़ों को सीखते हैं तो दे लाइक टू थिंक अबाउट इशू एंड प्रॉब्लम वाइल एक्सरसाइजिंग कि वे व्यायाम करते समय दौड़ते समय चलते समय जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सोचते हैं उसका सॉल्यूशन सोचते हैं ठीक है यदि उनको कोई चीज परेशान करती है तो वो दौड़ना या चलना पसंद करते हैं वो एक जगह बैठना पसंद नहीं करते तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है ठीक है तो अब क्वेश्चन आपके सामने की बताइए आपकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है ठीक है आप चाहे हम विजुअल की बात करें हम ऑडियो की बात करें ठीक है और चाहे हम कैनस्टेटिक की बात करें कौन सी लर्निंग स्टाइल है आपकी या वर्बल की बात करें तो कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग एंड टीचिंग में इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल के बारे में कि लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल कौन कौन सी होती है जिसमें हमने फोर स्टाइल्स की बात की थी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैमिंग्स ए आर के मॉडल ऑफ लर्निंग की फ्लैमिंग का ये वी ए आर के वाक मॉडल ऑफ लर्निंग है क्या पर इस मॉडल में उन्होंने लर्निंग स्टाइल के बारे में क्या क्या बातें कही है तो वीडियो को आखिर तक देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और अगर हम फ्लैमिंग के वाक मॉडल की बात करें तो द वाक मॉडल ऑफ लर्निंग वॉ डेवलप बाय नील फ्लैमिंग इन नाइनटीन की इस मॉडल को नाइनटीन में किसने डेवलप किया था नील फ्लैमिंग ने डेवलप किया था तो इसमें भी अगर हम वाक में वी ए आर के इसके अगर फुल फॉर्म को देखते हैं तो, तो इस तरह से ने लर्निंग के चार फॉर अलग प्रकार बताए हैं अपने इस मॉडल में ही एक्सप्लेन दैट वी आर ऑल वन ऑफ द फोर मेन टाइप्स ऑफ लर्नर्स उन्होंने बताया कि उन्होंने जो चार तरीके बताए हैं तो उन्होंने बताया कि हम सभी चार मुख्य प्रकार के शिक्षार्थियों में से एक हैं कि जो इन्होंने चार अलग अलग सीखने के लर्निंग के तरीके बताए हैं तो उन्होंने बताया कि जो हम हैं हमारा भी इनमें से कोई एक स्टाइल होता है लर्निंग का तो इनमें से हम कोई एक हो सकते हैं ये सभी उन विभिन्न अधिगम शैलियों को संदर्भित करते हैं जो शिक्षार्थी नई जानकारी सीखते समय अपनाते हैं दीज ऑल रिफर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल दैट लर्नर्स अडोप्टेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन तो देखिए जब भी आप सीखते हैं जब भी आप पढ़ने बैठते हैं क्लास में बैठते हैं तो आपका अपना सीखने का अलग तरीका हो सकता है हो सकता है कि आपको सामने आप पिक्चर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हो सकता है कि आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हो सकता है कि आप खुद पढ़ते हैं और फिर अपने नोट्स बनाते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है और ये भी हो सकता है कि जब आपकी क्लास में इंगेजमेंट होती है आप खुद से करके सीखते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है तो इस तरह से अगर हम फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने ये फोर मॉडल बताए हैं लर्निंग के स्टूडेंट आर आइडेंटिफाई बाई द लर्निंग स्टाइल दे लर्न बेस्ट की विद्यार्थी की पहचान उस अधिगम शैली से होती है जिसे वे बेहतर तरीके से सी, सीखते हैं तो देखिए हर किसी की अपनी अलग लर्निंग स्टाइल होती है तो लर्नर्स की पहचान भी इसी प्रकार होती है कि कौन सा बच्चा किसको देखकर ज़्यादा अच्छे से कौन सीखता है कौन आ, सुनकर ज़्यादा अच्छे से सीखता है कौन खुद से करके अच्छे से सीखता है कौन पढ़ के लिख के अच्छे से सीखता है तो अगर हम फ्लैमिंग के वी ए आर के मॉडल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लर्निंग के जो फोर टाइप्स बताए हैं इस मॉडल में पहला कौन सा लर्नर है विजुअल लर्नर्स दूसरा और तीसरा कौन सा लर्नर है रीडिंग एंड राइटिंग जो पढ़कर और फिर अपने नोट्स बनाकर पढ़कर लिख कर वो अच्छे से सीखते हैं और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कनेस्टेटिक लर्नर गति शिक्षार्थी तो एक ही करके अब हम इनके बारे में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम विजुअल लर्नर्स की बात करें जो फ्लैमिंग ने अपने मॉडल में बताया है तो विजुअल लर्नर्स अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन बेस्ट बाय सीइंग बासिंग दृश्य शिक्षार्थी जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है विजुअल लर्नर्स कि ऐसे लर्नर जिनको जो चीजों को देखते हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो दृश्य शिक्षार्थी देख ही जानकारी को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं दे लाइक टू लर्न थ्रू चार्ट इमेजेस वीडियो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की वे चार्ट चित्र वीडियो ग्राफ और डायग्राम इनके माध्यम से जब चीजें उनको देखते हैं दिखाई जाती है तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और इसलिए वो देखकर चीजों को आ, समझते हैं सीखते हैं तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो भी काफी स्ट्रोंग होती है वो चीजों को इमेजिन कर लेते हैं फिर अगर ओरल लर्नर्स की बात करें सवर्ण शिक्षार्थी की बात करें तो देखिए इसमें भी नाम से पता चला कि ऐसे बच्चे जिनको सुनकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है उनको देख कर इतना अच्छे से समझ में नहीं आता उनको सुनकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो ओरल uh, या ऑडिटरी लर्नर्स की बात करते हैं तो लर्न बेस्ट बाय हेयरिंग इन्फॉर्मेशन की सर्वण संबंधित शिक्षार्थी जानकारी को सुनकर सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं तो क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि टीचर बोलता है तो टीचर जो बोलता है समझाता है उनको सुनकर ही अच्छे से समझ में आ जा जाता है तो दे प्रिफर लिसनिंग रेदर देन राइटिंग नोट्स इन क्लास की वे क्लास में लिखना नहीं पसंद करते सिर्फ सुनना और सुनकर सीखना पसंद करते हैं तो दे एंजॉय लिसनिंग टू अदर्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन की वे दूसरों की जानकारी प्रस्तुत करते हुए सुनना पसंद करते हैं क्लास में जो लेक्चर होता है उनको ज़्यादा अच्छा लगता है ही लाइक्स टू हैव अ कन्वर्जेशन की वार्तालाप करना उनको बहुत पसंद है क्योंकि उसमें भी वो चीज़ों को सुन रहे हैं और सुनकर चीज़ों को सीख रहे हैं और दिस इंक्लूड्स पॉडकास्ट होता है रिकॉर्डेड ऑडियो जो बात करें ऑडियो एंड क्लास रूम में जो टीचिंग uh, लर्निंग चलती है उसको रिकॉर्ड करके उसको फिर आराम से वो सुनते हैं तो इस तरह से उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और फिर अगर तीसरा हम बात करें रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर तो एक किस तरह के लर्नर्स होते हैं तो देखिए क्लास में कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर या सुनकर उतने अच्छे से समझ में नहीं आता फिर वो क्या करते हैं वो बुक्स जा लाइब्रेरी में जाते हैं बुक्स को पढ़ते हैं फिर अपने नोट्स बनाते हैं ठीक है पढ़ते हैं ध्यान से अपने नोट्स बनाते हैं फिर उससे उनको चाहिए जो टॉपिक होता है क्लियर होता है उनको समझ में आता है तो इस तरह के अगर लर्नर्स की बात करें तो जो बुक्स को पढ़ते हैं और फिर अपने नोट्स बनाते हैं तो इस तरह से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो दीज लर्नर्स प्रीफर रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल की शिक्षार्थी पढ़ने और लिखने की अधिगम शैली को प्राथमिकता देते हैं

पसंद होता है अपना पढ़ते हैं नोट्स बनाते हैं इस तरह से चीजों को सीखते हैं और अगर हम फोर्थ की बात करें, करें लर्नर्स की बात करें तो जैसा पहले के वीडियो में भी हम जान चुके हैं कि इस तरह के लर्नर्स जो होते हैं उनको ना सुनना ना देखना ना पढ़ना इतना नहीं उनको करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये एक चीजें ज्यादा अच्छी लगती है आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको खुद से जब करते हैं ना तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो दीज लर्नर्स प्रीफर टू लर्न यूजिंग द बॉडी हैंड्स एंड सेंसेस ऑफ टच शिक्षार्थी शरीर हाथ और स्पर्श की अनुभूति का उपयोग करके सीखना पसंद करते हैं दीज लर्नर्स प्रीफर टू लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की शिक्षार्थी व्यवहारिक अनुभव द्वारा सीखना पसंद करते हैं और इनको बैठे रहने के बजाय काम करना ज्यादा पसंद है इनको क्लास में इंगेज रहना ज्यादा पसंद है तो इस तरह से ये चीजों को सीखते हैं तो दे लर्न बाय डूइंग एंड हैव डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इट कि वे कार्य करके सीखते हैं और इसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो दीज लर्नर्स इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे आर्ट्स स्पोर्ट्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं अब हम बात करते हैं कि जब फ्लेमिंग ने चलो अपने इन्होंने अलग अलग जो स्टाइल्स बताए टाइप्स बता, बता दिए अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड आउट लर्निंग स्टाइल की अधिगम शैली का पता कैसे लगाए तो इसके लिए फ्लेमिंग ने क्या किया फ्लेमिंग ने एक क्वेश्चन तैयार किया ठीक है एक इन्वेंट्री तैयार की जिसमें काफी सारे क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन बच्चों के सामने आता है तो बच्चे क्या है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होते हैं उनमें से उत्तर बच्चों के सामने काफी सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चे को सेलेक्ट करना होता है और बच्चे अपने उत्तर जो है वहां पर देते हैं और उसके बाद क्या होता है जो प्रश्नावली है क्वेश्चन अंत में प्रत्येक सीखने की शैली के लिए बच्चों के जो अंक जोड़े जाते हैं और उसके आधार पर ये चुना जाता है कि बच्चा जो फोर कैटेगरी है उनमें से किस कैटेगरी में आता है वो विजुअल में आता है वो ऑडियो में आता है वो रीडिंग राइटिंग में आता है वो प्रैक्टिकल में कैनिस्ट्रेटिक में आता है तो किस स्टाइल का बच्चा लर्नर है तो इस तरह से पता चलता है उसके बारे में और लास्ट में अगर इसका बेनिफिट देखें तो देखिए अगर टीचर को एज ए टीचर अगर उसको पता हो कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है कौन सा बच्चा देख कर सीखता है कौन सा बच्चा सुनकर सीखता है कौन सा बच्चा है जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस से सीखता है कौन सा खुद से पढ़कर नोट्स बना के सीखता है तो इससे क्या होगा इससे क्लास में जो उसको पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाएगा वो अलग अलग मेथड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ाएगा बच्चों को समझाएगा तो वो अपनी टीचिंग में इम्प्रूव कर सकता है जब टीचिंग में इंप्रूवमेंट होगी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा अगर आप बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी रुचि के हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे सिखाओगे अलग अलग मेथड से सिखाओगे अलग अलग एक्टिविटी से सिखाओगे तो आपको सिखाने में भी आसान होगी और बच्चों को सीखने में भी आसानी होगी ज्ञान प्राप्त करने में भी आसानी होगी तो इससे क्या होगा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको पढ़ाने में मजा आएगा बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा तो इस मॉडल के बेनिफिट्स आप कह सकते हैं फायदे कह सकते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में शिक्षण मॉडल क्या है हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव बात करेंगे इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे और हमें ये भी जानेंगे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए जब हम मॉडल की बात करते हैं ना तो अपने जीवन में हम मॉडल जो है शब्द है इसका प्रयोग हम अलग अलग अर्थों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं ठीक है कभी हम मॉडल जो है ये वर्ड है इसका प्रयोग किसी चीज़ की कॉपी के रूप में करते हैं किसी नकल या प्रतिरूप के रूप में हम करते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अर्थ है ठीक है तो उसका जो प्रतिरूप क्या है ग्लोब है तो ग्लोब क्या हो गया एक मॉडल हो गया उसी तरीके से हम देखते हैं कार है तो उसके भी छोटे छोटे मॉडल होते हैं बाइक के भी मॉडल होते हैं ट्री के भी मॉडल होते हैं तो इस तरह से अगर हम मॉडल शब्द की बात करें तो एक अर्थ तो इसका होता है कि किसी चीज़ की नकल या किसी का प्रतिरूप के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और दूसरे अर्थ में अगर मॉडल की बात करें तो कोई आइडियल पर्सनैलिटी है उसके रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि आपका रोल मॉडल कौन है तो इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है और अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए मॉडल शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन हम तो बात करने वाले हैं टीचिंग की फील्ड की बात करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग फील्ड की बात करने वाले हैं एजुकेशन की बात करने वाले हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग मॉडल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो इसमें जब हम मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सिस्टम ऑफ टीचिंग तो सिस्टम ऑफ टीचिंग क्या है दिस इंक्लूड्स हाउ टीचर्स ऑर्गेनाइज देयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इसके इसमें शामिल है कि शिक्षकों द्वारा कैसी अपनी निर्देशात्मक रणनीतियों को व्यवस्थित किया जाए कि क्लास में अगर जो चीज बच्चों को पढ़ानी है बतानी है तो उसकी पूरी प्लानिंग करना कि किस तरह से प्लान किया जाए किस तरह से क्लास में जाकर इंस्ट्रक्शन दिया जाए किस तरह से बच्चों को क्लास में इंगेज किया जाए तो यहाँ पर जब हम टीचिंग मॉडल्स की बात करते हैं ना तो किस तरह से प्लान करना है किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है सिखाना है किस तरह से बच्चों को इंगेज करना है तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं दिस इंक्लूड्स हाउ टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग जिसमें शामिल है learning, कि विद्यार्थियों के अधिगम को उनकी लर्निंग को कैसे और बेहतर बनाया जाए तो यहाँ पर आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि टीचिंग मॉडल्स होते क्या है तो अगर इसकी हम ओवरऑल मीनिंग की बात करते हैं इसके कंसेप्ट को समझते हैं तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर डिजाइन टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज देयर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ देयर स्टूडेंट की शिक्षण मॉडल शिक्षकों को अपनी निर्देशात्मक रणनीतियों को व्यवस्थित करने मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है किस तरह से सिखाना है कौन से मटेरियल यूज करने हैं कौन से मेथड यूज करने हैं और अपने विद्यार्थियों के अधुगम अनुभव को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि किस तरह से किस तरह से बच्चों की जो लर्निंग है उसको इन्हेंस किया जाए उसको बढ़ाया जाए तो बेसिकली इसमें इन दो चीज़ों पर बात होती है तो ये दोनों चीज़ें कौन सी हैं सबसे पहले इस इट इन्वॉल्व हाउ टू टीच स्टूडेंट एंड डेवलप देयर लर्निंग कि कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए और उनकी अधिगम का कैसे विकास किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण अभ्यास की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करना है न ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड टीचर स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्लान एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस इन दियर क्लासरूम की किस तरह से आ, टीचर क्लास में अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाए किस तरह से और बेहतर बनाए किस तरह का मटीरियल यूज करें किस तरह का मेथड यूज करें किस तरह से बच्चों की जो लर्निंग है उसको इनहेंस करें उसको बढ़ाए तो जब हम टीचिंग मॉडल की बात करते हैं तो इसमें सारी चीजें आती हैं तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं अब अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो देखिए जायसेन वेल ने क्या कहा है अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ प्लान और पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड टू शेप करिकुलम टू डिजाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड

प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन टू अकम्पलीस द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल की मॉडल निर्देशात्मक जो शिक्षण रणनीतियां हैं उन्हें विशेष शिक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं या मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ़ टीचिंग मॉडल्स की शिक्षण मॉडल के क्या उद्देश्य है तो सबसे पहले अगर हम बात करें टू प्रोवाइड टीचर विथ अ रोड मैप फॉर प्लानिंग देयर लेसन एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ कि यहाँ पर शिक्षकों को एक रोड मैप देता है ठीक है एक ब्लू देता है कि वो किस तरह से टीचर हैं अपनी प्लानिंग कर सकते हैं किस तरह से मटेरियल यूज़ करके किस तरह से क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बच्चों को क्लास में इंगेज कर सकते हैं to help teacher to reflect on their instructional practices कि यहाँ पर शिक्षकों को उनकी शिक्षण पद्धतियों पर चिंतन करने में मदद मिलती है कि मान लो आप टीचर हो तो जब इसके थ्रू आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो पूरी प्लानिंग करोगे कि मुझे किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं किस तरह की एक्टिविटीज़ कराना है किस तरह से बच्चों को टीचिंग uh, लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें इंगेज करना है तो इससे क्या हेल्प मिली है टीचर को टू हेल्प टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन देअर इंस्ट्रक्शनल

टू इम्प्रूव द टीचिंग स्किल ऑफ टीचर तो इससे शिक्षकों के जो शिक्षण कौशल है उससे उसको और बेहतर बनाने में मदद मिलती है तो आप क्या करेंगे प्लान करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे फिर अपना फीडबैक देखेंगे कि क्या रहा फिर से प्लान करेंगे और इस तरह से हम देखते हैं कि इससे क्या होगा कि जो टीचिंग टीचर्स की जो टीचिंग स्किल्स है वो और बेहतर बनेगी जो इसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है इसके अलावा टू डेवलप स्टूट लर्निंग विद्यार्थियों के अधिगम का विकास करना टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार करना कि बच्चों की लर्निंग को इनहेंस करना है और साथ के साथ फीडबैक के आधार पर यह भी देखना है कि बच्चों की लर्निंग क्या रही बच्चों को कहीं कहीं किसी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही और इसके अलावा टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कि विद्यार्थियों के चिंतन और समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद करना एंड टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित करना विद्यार्थियों में तो ये क्या है इसके ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर बेसिकली आपको दो चीजें समझ में आ रही होगी कि किस कि तरह से प्लान करना कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कौन से इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटजी है मेथड्स हैं मटेरियल यूज किया जाए और दूसरी चीज कि किस तरह से जो बच्चों की जो लर्निंग है उसको इनहेंस किया जाए तो यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं ठीक है थीके फिर अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो दिस सर्व एज अ बेसिस फॉर इफेक्टिव टीचिंग प्रिंसिपल्स की ये प्रभावी शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके आधार पर कार्य करते हैं कि किस तरह से ये प्लान किया जाए किस तरह से जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाए किस तरह से मेथड यूज किए जाए किस तरह से क्लास में बच्चों को इंगेज किया जाए किस तरह से जो टीचर है अपनी टीचिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं किस तरह से बच्चों की लर्निंग है वो बेहतर हो सकती है दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लर्निंग के प्रभावी और दिलचस्प शिक्षण के में योगदान करता है इट इज़ यूज टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरी स्कूल सब्जेक्ट कि इसका उपयोग विभिन्न विद्यालयों में विषयों के जो विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं आप अपना जब सिलेबस निकाल के देखेंगे तो सिलेबस में आपका जो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट से पहले ही आपके ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं ठीक है तो इट इज यूज टू अचीव स्पेसिफिक स्कूल के जोजेक्ट है, जो है उसको प्राप्त करने में मदद करता है इसके अलावा दीज आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट के विद्यार्थियों की विभिन्न जो क्षमताएं हैं उसको विकसित करने में भी सहायता करता है किस तरह से करते हैं तो उसकी बात जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो हम समझेंगे तो टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल की शिक्षण मॉडल के कौन कौन से प्रकार हैं ठीक है थीके? तो देखिए अलग अलग जो कई सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं शिक्षाविद हैं किसी ने आ, थ्री टाइप के टीचिंग मॉडल बताए हैं किसी ने फोर टाइप के टीचिंग मॉडल बताए हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे दिस थ्री मॉडल्स ऑफ टीचिंग ठीक है यहाँ पे टीचिंग uh, के हम थ्री मॉडल्स की बात करेंगे अब ये मॉडल्स कौन कौन से हैं उस पर भी हम देख लेते हैं सबसे पहला है हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल ऐतिहासिक शिक्षण मॉडल दूसरा है साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल तीसरा है मॉडर्न टीचिंग मॉडल तो इन तीन मॉडल्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखिए बात करते हैं हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल ये टीचिंग मॉडल क्या है तो सबसे पहला जो है क्या है सोक्रेटिक टीचिंग मॉडल सुक्राते शिक्षण मॉडल तो ये क्या कहता है इट इज बेस्ड ऑन डायलॉग एंड इंक्वायरी ठीक है ये जो शिक्षण मॉडल है टीचिंग मॉडल है दो चीज़ों पर ये बिल्कुल आधारित है डायलॉग एंड इंक्वायरी तो देखिए डायलॉग की जब हम बात करते हैं ना तो इसका मतलब क्या है कि जो टीचिंग लर्निंग है ठीक है वो डायलॉग के आधार पर होनी चाहिए जहां पर ये डायलॉग क्लास में बच्चों के बीच हो सकता है टीचर और बच्चों के बीच हो सकता है तो इसका फायदा क्या होगा होगा इसका फायदा ये कि बच्चों को अपनी जो बात है ज्यादा से ज्यादा रखने को मौका मिलेगा उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको फ्रीडम मिलेगा इससे क्या होगा कि बच्चों की जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप होगी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी और बच्चों बच्चों के साथ टीचर के साथ क्लास में टीचर और बच्चों के बीच में ज्यादा से ज्यादा डायलॉग होगा तो क्या होगा कि बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच कि बच्चों के जो डाउट्स होंगे वो होंगे ठीक है और दूसरी बात है इंक्वायरी तो इंक्वायरी क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह की रिसर्च है जहां पर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि बच्चा खुद के एफर्ट से खुद से चीजों को करके सीखे तो सोग्रेटिक टीचिंग मॉडल दूसरी अगर बात करें क्लासिकल ह्यूमैनिटी हुमेंटि, ह्यूमैनिस्टिक मॉडल बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन तो देखिए जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं ना तो यहाँ पर लर्निंग की जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो बच्चों की खुद की होती है प्राइमरी रोल किसका होता है बच्चों का होता है टीचर का रोल एक हेल्पर का होता है सेकेंडरी रोल होता है तो जब हम क्लासिकल ह्यूमिनिस्टिक मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या है टीचिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है सॉरी लर्निंग वो बच्चों की जो प्राइमरी रोल यहाँ पर बच्चों का है टीचर का काम क्या है बच्चों की हेल्प करना बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना बच्चों को एक तरह से सुविधा प्रदान करना और बच्चों को पूरा अवसर देना जहाँ पे बच्चा खुद से करके चीजों को सीखे तो देखिए इन दो मॉडल में हम एक चीज़ क्या समझ में आ रही है इन दो मॉडल में कि इस तरह के टीचिंग मॉडल जहाँ पर टीचर के द्वारा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है खुद से करके चीज़ों को सीखने की चीज़ों को जानने की तीसरा अगर हम बात करें पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल तो देखिए नाम से पता चला पर्सनल डेवलपमेंट तो यहाँ पर किन चीजों पर फोकस किया जा रहा है एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंटरेस्ट एंड वैल्यूज की स्टूडेंट के स्ट्रेंथ इंटरेस्ट एंड वैल्यूज को डेवलप करने की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट की अगर स्ट्रेंथ को डेवलप करना, करना है इंटरेस्ट को डेवलप करना है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए ठीक है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाए जो टीचिंग लर्निंग है उसमें पार्टिसिपेट करने का उनकी इन्वॉलमेंट के लिए ठीक है और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग जो मेथड्स हैं उसको यूज़ किया जाए बच्चों को बताया जाए सिखाया जाए बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो इस मॉडल में हमें हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल ऐतिहासिक शिक्षण मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि बच्चों को क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें क्लास में डायलॉग होना चाहिए पर पर किसी भी टॉपिक के के ऊपर टीचर टीचर और बच्चों बीच में एक डायलॉग होना चाहिए ज़्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों को बताए बच्चों की जो प्रॉब्लम है सॉल्व करे और उस टॉपिक को लेकर बच्चों के मन में जो भी बात है वो बच्चे टीचर से पूछें बच्चा अपने खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखे बच्चों की इंटरेस्ट को उनकी रुचि को ध्यान में रखकर ही बच्चों को बताया जाए बच्चों को पढ़ाया जाए तो यहाँ पर इस मॉडल में इन चीज़ों की बात की गई है दूसरा अगर हम साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल की बात करें तो सबसे पहले आता है बेसिक टीचिंग मॉडल तो बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है यहाँ पर चार चीज़ें हैं सबसे पहला है कोई भी कॉन्टेंट है टीचर उसको प्रिपेयर करे बच्चों के सामने फिर क्लास में आकर प्रेजेंट करता है जैसे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे क्लास में आके प्रेजेंट करेंगे फिर प्रैक्टिस की बात करें तो फिर जो टीचिंग लर्निंग है आप उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ठीक है बच्चों की पूरी इंगेजमेंट होगी और लास्ट में असेसमेंट होगा जहां पर देखा जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा बच्चों को कितना आया तो ये क्या हो गया बेसिक बेसिक टीचिंग मॉडल दूसरा है इंट्रेक्शन टीचिंग मॉडल तो यहाँ पर क्या है इंट्रेक्शन की बात करें ना तो इंट्रेक्शन यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस की क्लास में जब टीचिंग लर्निंग हो तो बच्चों का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो टीचिंग लर्निंग में और इंट्रेक्शन होना चाहिए ठीक है विद्यार, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थियों का विद्यार्थियों से विद्यार्थियों का टीचर के साथ एक इंट्रेक्शन होना चाहिए एक संवाद होना चाहिए एक बातचीत होनी चाहिए एक डिस्कशन होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर चर्चा हो सके बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके और बच्चों की ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट हो फिर स्कूल लर्निंग मॉडल की बात करते हैं तो स्कूल लर्निंग मॉडल में क्रिएट पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एन्वायरमेंट कि कैसा स्कूल की बात करते हैं एक ऐसा एन्वायरमेंट एक पॉजिटिव एनवायरमेंट होना चाहिए एक सपोर्टिव एन्वायरमेंट होना चाहिए स्कूल का जहां पर टीचर और बच्चे सब मिलकर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और बेहतर बनाए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम हो अपनी बातों को करने अपनी बातों को कहने का ठीक है अपने मतलब बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए जा कि बच्चे वहाँ पर खुद से चीज़ों को करें खुद से चीज़ों को सीखें टीचर क्या करेगा बच्चों को सपोर्ट करेगा बच्चों को हेल्प करेगा

जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है तो इस तरह से साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल है ये चार तरह की जो बातें कहता है कि इस तरह से क्लास में टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है टीचर बच्चों को बता सकता है टीचर बच्चों को इंगेज कर सकता है और अगर मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स की बात करें ठीक है तो मॉडल टीचिंग मॉडल्स में फोर मॉडल्स आते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल ठीक है जिसको सूचना प्रस्करण शिक्षण मॉडल की बात करते हैं तो इट फोकसेज ऑन हाउ स्टूडेंट एक्वायर स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन किस तरह से विद्यार्थी जानकारी को इकट्ठा करते हैं कैसे प्राप्त करते हैं उसको संग्रहित करते हैं और उसको फिर से प्राप्त करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं इस तरह के टीचिंग मॉडल में कि आप क्या करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं ठीक इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करते हैं नॉलेज को फिर इसको संग्रहित करते हैं ठीक है स्टोर करते हैं और फिर आप एनालिसिस करते हैं कि जो भी आपकी जो नॉलेज है ठीक है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो कहाँ तक सही है सही है या सही नहीं है तो फिर उसमें जो रियल चीज़ होती है फिर से आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके पास एक इंफॉर्मेशन जो है सही इंफॉर्मेशन आती है फिर अगर हम बात करें द पर्सनल टीचिंग मॉडल तो क्रिएटिंग ऑफ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पर जब हम पर्सनल टीचिंग मॉडल की बात करते हैं तो एक तरह से ये भी हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ पर एक क्लास की बात करें स्कूल की बात करें एक पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट होना चाहिए और वहां पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए बच्चों को क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें इंगेज किया जाए, तो एक सकारात्मक और सहायक शिक्षण वातावरण और सक्रिय भागीदारी बढ़ाना फिर द सोशल इंट्रैक्शन टीचिंग मॉडल एम्फिसिस सोशल इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन इन द लर्निंग प्रोसेस की अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक अंतर क्रिया और संचार पर जोर देना कि इस तरह का क्लास में टीचिंग लर्निंग होना चाहिए जहां पर बच्चों का बच्चों के साथ टीचर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए एक अच्छा संचार होना चाहिए इसके अलावा सोशल इंट्रैक्शन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे हैं पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मिलकर सीखे करके सीखे

को करने लगता है ना तो बीच-बीच में बच्चों का जो मनोबल बढ़, बढ़, बढ़ाना ठीक तो है तो उसको हम कहते हैं रिइंफोर्समेंट कि बच्चों को प्रोत्साहन देना कि तो आप और अच्छे से कर सकते हो आप और बेहतर कर सकते हो तो इससे क्या है कि बच्चों का जो बिहेवियर है ठीक है उसको परिवर्तन लाना जो एक बच्चे की जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में बदलना कि नहीं मैं जैसे बच्चा कहता है ना मैं नहीं कर पाऊंगा नहीं तुम कर सकते हो तो इससे क्या है कि बच्चों को एक पॉजिटिव रेंट देकर बच्चों का जो एक नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव में बदलना तो इस तरह से हमने देखा कि तीन अलग अलग जो टीचिंग मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि किस तरह से क्लास में टीचिंग लर्निंग होना चाहिए किस तरह से टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है किस तरह से टीचर बच्चों को इंगेज कर सकता है और किस तरह से बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सकती है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है तो लास्ट में अगर हम इसकी इम्प्लिकेशन की बात करें तो दीज मॉडल्स आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन आइडियल लर्निंग एनवायरमेंट की मॉडल एक आदर्श शिक्षण वातावरण बनाने में सहायक है दीज आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द टीचिंग स्किल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर के शिक्षकों के शिक्षण कौशल और प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक है दिस कॉन्ट्रीब्यूट

उनको पूरा करने में भी इससे मदद मिलती है क्योंकि इसमें बताया गया कि अलग अलग सीखने सिखाने के अलग अलग तरीके हैं सबका ही प्रयोग किया जाए सबकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जाए सिखाया जाए दिस फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट की इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में बेहतर संचार की सुविधा मिलती है एंड दिस प्रमोट पॉजिटिव टीचिंग स्टूडेंट टीचर फ्रेंड इंट्रैक्शन की सकारात्मक शिक्षण विद्यार्थी संपर्क को बढ़ावा देते हैं तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टीचिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ा इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा इसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ा लास्ट में हमने देखा कि इसके क्या क्या इंप्लीकेशन है तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग एंड टीचिंग में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस की और हम ये भी जानेंगे कि इन लर्निंग एक्सपीरियंसिस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है इसके क्या क्या टाइप्स हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में तो देखिए जब हम लर्निंग की बात करते हैं ना सीखने की बात करते हैं अधिगम की बात करते हैं तो ये आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की जो लर्निंग है जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर हमारी अंतिम सांस तक हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं तो लर्निंग पूरे जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है लर्निंग अकर्स मैन द चाइल्ड एक्सपीरियंस और लर्निंग कब होती है जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और ये एक्सपीरियंस कैसे करते हैं चीज़ों को देख कर सुनकर टेस्ट करके स्मेल करके ही हम चीज़ों को जानते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं उसके बारे में समझते हैं तो द इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस की इन्हीं जो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं देखना सुनना परखना सूंगना इन्हीं के माध्यम से इन्हीं के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं हम अनुभव करते हैं तो इस तरह से हमारी लर्निंग होती है वी लर्न ओनली थ्रू एक्सपीरियंस तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम चीज़ें कैसे सीख रहे हैं हम एक्सपीरियंस की तरह से ही चीज़ों को सीखते हैं बिना एक्सपीरियंस के हम चीज़ों को नहीं सीख सकते अगर हम देखिए लर्निंग की बात करें तो क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हो तो आप उसको देख रहे हो आप सुन रहे हो आप खुद से कर रहे हो तो आपको पता चला है आप घर बैठे बैठे अगर आप सोचो कि आपको डिग्री मिल जाए मान लो आपको घर बैठे बैठे डिग्री मिल भी गई तो आप कुछ सीखेंगे नहीं आपकी जो स्किल है जो लर्निंग है कुछ नहीं होगी और जब आप फ्यूचर में जब जाओगे आप जॉब के लिए जाओगे आपसे कोई भी कुछ पूछेगा आप कुछ पता ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था ही नहीं आपका किसी चीज़ का तो इसलिए हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है तो बिना एक्सपीरियंस के हमारी लर्निंग नहीं होती एक्सपीरियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आप खुद से सोचिए ऐसे जो भी आपने काम किए जहाँ पे आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे आपकी पूरी मेहनत है तो वो जो चीज़ें थी आपको अभी तक याद है और हमेशा याद रहेगी लेकिन ऐसी चीज़ें ऐसे काम ऐसी लर्निंग जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं आपका कोई अनुभव नहीं आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं तो वो चीज़ें आपको इतनी याद नहीं होती टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिटरमाइंग द क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस की अधिगम अनुभव का प्रकार ही अधिगम की गुणवत्ता तय करता है कैसे तय करता है देखिए मान लो अगर आप क्लास में हैं आप रेगुलर जा रहे हैं रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं आप इन्वॉल्व हो रहे हैं टीचिंग लर्निंग में तो आपको डेली एक्सपीरियंस हो रहा है ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग क्वालिटी है ना जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होगी आप क्लास जा ही नहीं रहे आप सीख ही नहीं रहे लास्ट में रट्टा मार के आप पास होने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो आप रट्टा मारना है ना वो उस सिर्फ उसी टाइम के लिए होता है उससे आप चीज़ें जानते नहीं समझते नहीं तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जो लर्निंग की जो क्वालिटी है ना वो डिसाइड होती है तो इसलिए द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिटरमाइंड द क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस कि आपकी जितनी भी लर्निंग एक्सपीरियंस है जितना अच्छा होगा उतनी आपकी क्वालिटी एजुकेशन होगी जितना नहीं होगा उतनी आपकी जो क्वालिटी है उतनी उसमें नहीं होगी इफ द फ्रेंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सपीरियंस ही लर्न फास्टर की यदि आप लर्निंग जो एक्सपीरियंस है ठीक है उसमें आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तब तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हो और जो भी विषय विसे, विशेष है ठीक है सब्जेक्ट है उसमें आपकी एक गहरी नॉलेज आती है जैसे हम देखते हैं ना साइंस में बात करें सोशल साइंस में बात करें अगर हमें लैब में सिखाया जाए ठीक है हम खुद से चीज़ों को करके सीख रहे हैं हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम गेम्स खेल रहे हैं तो उस तरह की जो नॉलेज है जहाँ पे हमारी पूरी इन्वॉलमेंट है तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है लेकिन जहाँ पे हमारी इन्वॉलमेंट नहीं है जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा वो चीज़ें हमें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो और आप कॉस्पॉन्डेंट से कर रहे हो दोनों में आप देखो कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है जहाँ पर आपको लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है और जहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा कि बस रट्टा लगाना है पास होना है तो वहाँ पर आपको को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा तो जब हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी की बात करें या हम घर समाज हम मीडिया की बात करते हैं खेल के मैदान की बात करते हैं ये सब क्या है ये सब हम कह सकते हैं कि लर्निंग uh, सेंटर्स हैं uh, सीखने के केंद्र हैं हम घर में भी सीख रहे हैं समाज में भी सीख रहे हैं जो जनसंचार माध्यम है मीडिया है चाहे हम न्यूज़पेपर की बात करें हम टीवी की बात करें ठीक है तो इनके माध्यम से भी हम सीख रहे हैं हम जब ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी चाहे हम डिसिप्लिन की बात करें चाहे हम ब्रदरहुड की बात करें चाहे हम कोऑर्डिनेशन की बात करें चाहे हम कोऑपरेशन की बात करें सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी सीख रहे हैं तो इस तरह से अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना तो दो तरह की ये होती है एक डायरेक्ट होता है और एक इन डायरेक्ट होता है तो सिंपल सा है कि डायरेक्ट मतलब आपकी वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहीं पे फील्ड विजिट के लिए आप जा रहे हो ठीक है आप लैब में खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो तो एक क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया और इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है कि मान लो आपके जो टीचर्स हैं क्लास में आपको वॉल कैनो ज्वालामुखी के बारे में बता रहे हैं समंदर के बारे में बता रहे हैं तो ये सब क्या हो गया एक्सपीरियंस तो हो रहा है लेकिन इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपकी डायरेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अब आज के टाइम में देखें ना टेक्नोलॉजी आ रही है तो इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस को भी डायरेक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से प्रौद्योगिकी की मदद से चाहे हम वीडियोस बच्चों को दिखाया जाए ठीक है तो आपको समंदर पहाड़ वॉल कहने वो सारी चीज़ें मतलब इन डायरेक्ट तरीके से भी आज कल प्रौद्योगिक है तकनीकी तेक, तेक, है उसके माध्यम से आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी देने की कोशिश की जा रही है तो इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल इन्हेंस लर्निंग एक्सपीरियंस की टेक्नोलॉजी की मदद से भी जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस है अधिगम अनुभव है इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है अगर हम अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस की अब इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए उसका किस तरह से संगठन किया जाए तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है दिस फर्स्ट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज करवानी है ठीक है आपको कौन से लर्निंग जो एक्सपीरियंसिस uh, है बच्चों को देने हैं तो दिस सेलेक्टेड एक्टिविटीज आर देन ग्रुप एज़ फॉलो कि अगर हम ये जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना उसको पहले हम क्या करेंगे ग्रुप ग्रुप में उसको बाँटेंगे देखिए मान लो आपको एस एस टी पढ़ाई जा रही है ठीक है एस एस टी में जोग्राफी uh, है एस एस टी में सिविक्स है एस एस टी में हिस्ट्री है तो हम देखते हैं कि अलग है, अलग चैप्टर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट इसमें हैं तो हर सब्जेक्ट की देखें तो अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी अगर एक ही सब्जेक्ट में देखें अलग अलग चैप्टर्स हैं तो उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी ठीक है अब ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ है जो क्लास में होगी कौन सी एक्टिविटीज़ जो है क्लास के बाहर करवाई जा सकती है तो सबसे पहले क्या करना है हमें एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है ठीक है और फिर उन अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है उसको हमें क्या करना है उसको हम, हम ग्रुप में उसको बांट सकते हैं ठीक है और उसके बाद दैन द रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज बिटवीन लर्निंग एक्टिविटीज एंड लर्निंग सिचुएसन तो देखिए हमें इस पॉइंट में हमें क्या देखना है हमें ये देखना है कि जो भी एक्टिविटीज हमने डिसाइड uh, की आइडेंटिफाई की और उसको हमने ग्रुप uh, में डाला उसको समूहीकृत किया अब किस एक्टिविटीज़ को किस लर्निंग सिचुएसन के हिसाब से हमें उसको करानी है कौन सी एक्टिविटीज़ हमें क्लास के अंदर करानी है कौन सी एक्टिविटीज़ हमें क्लास के बाहर करानी है किस सिचुएशन में हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है तो फिर जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम कुछ एक्टिविटीज क्लास में कराते हैं कुछ क्लास के बाहर कराते हैं तो डिजायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी अचीव थ्रू दिस तो इससे वांछनीय अधिगम अनुभव जो है बच्चों को प्रदान किए जा सकते हैं तो इससे बच्चों को सीखने में काफ़ी आसानी होती है और टीचर्स को भी सिखाने में लर्निंग एक्सपीरियंसिस देने में काफ़ी आसानी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग experiences नीड टू इंक्लूड टू essential आस्पेक्ट यहाँ पर दो जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको शामिल किया जाता है ठीक है कि जैसे हम बात करें कि पहली बात है कि जो ये एक लर्निंग experiences हैं इनको हमें क्या करना चाहिए करिकुलम में स्थान देना चाहिए जैसे हम एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव की बात करें तो अलग अलग उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं और उनके साथ के साथ चैप्टर वाइज बताया गया है कि इस चैप्टर के साथ आप इन एक्टिविटीज को करा सकते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को करिकुलम में एक जगह देनी है स्थान देनी है और दूसरा क्या होगा दूसरा टू ग्रुप द कंटेंट फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस अंडर द हेडिंग्स ऑफ साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कॉमर्स मेडिसिन कि अधिगम अनुभव के लिए विषय वस्तु को विज्ञान कला मानवी की वाणिज्य चिकित्सा आदि में मतलब सामोहित करना है कि अब करिकुलम में शामिल कर लिया तो जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाए ताकि और टीचर्स के लिए भी प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ कि अगर कोई चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं तो उसको किस तरह से एक्टिविटीज़ के थ्रू या उसको किस तरह से बच्चों को पढ़ाए जा सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा सकते हैं एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है तो इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है तो उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके आप उसको जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने आ, मतलब इकट्ठी की है कि इन एक्टिविटीज़ को हमें करानी है तो फिर आपको देखना है कि किन एक्टिविटीज़ को क्लास में, क्लास में करानी है क्लास के बाहर करानी है किस सिचुएसन में करानी है और साथ ही साथ जो ये इस तरह के जो लर्निंग एक्सप्रियज जो हैं ठीक है इनको करिकुलम में भी स्पेस दिया जाए अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें भी इसको शामिल किया जाए ताकि बच्चों को इस तरह के एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जा सके ठीक है तो अब लास्ट में अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे थ्री टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग जो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके से दिए दिए जा सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस ठीक है तो ग्रुप लर्निंग तो आप याद कीजिए कि स्कूल में अक्सर जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी एक तो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे दिया जाता था आपको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था चाहे हम ऐसे कंपटीशन की बात करें चाहे हम डांस कंपटीशन की बात करें ठीक है चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें अलग अलग ग्रुप में आपको बांटा जाता था और उस ग्रुप में ही आप क्या करते थे चीज़ों को सीखते थे आपस में एक्टिविटीज़ करते थे आपस में डिस्कशन करते थे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे तो ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको ग्रुप में सिखाया जा रहा है आप क्लास में हैं तो क्लास भी तो आपका एक अपना ग्रुप है सेकेंड अगर हम बात करें ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस तो यहाँ पर बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन भी दिया जा रहा है और ऑफलाइन भी दिया जा रहा है तो दोनों का एक तरह से हम जो मिक्सअप कहते हैं ना तो उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पे आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन आपको होमवर्क दिया जा रहा है सॉरी तो, होमवर्क नहीं ऑनलाइन आपको क्लास वर्क दिया जा रहा है और वो जो आपको वर्क दिया जा रहा है आप क्लास में जाएंगे और क्लास में सभी बच्चों के साथ मिलकर करेंगे तो ब्लेंडेड लर्निंग जैसे हम ट्रेडिशनल की बात करें कि स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था और होमवर्क दिया जाता था तो होमवर्क आपको घर में करना होता था लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है कि आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है और उस ऑनलाइन क्लास में आपको जो भी असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आपको वर्क दिया जा रहा है उसको आपको क्या करना है उसको आपको स्कूल में आके करना है तो ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक तरह का मिक्सअप है और सेल्फ स्टडी है तो लर्निंग एक्सपीरियंस है सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी होता है जहाँ पर बच्चा अपना अकेले चीज़ों को करता है लर्निंग बाय डूइंग खुद से चीज़ों को करके खुद से चीज़ों को सीखता है तो इस तरह से भी बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है और लास्ट में अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए हम कन्फ्यूसिस की बात करते हैं जो चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहा है उन्होंने क्या कहा आई हियर एंड आई फॉरगेट मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ आई सी एंड आई रिमेंबर मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ और आई डू एंड आई अंडरस्टैंड जब मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी क्या कहा है मुझे बताओ और मैं भूल जाता हूँ मुझे सिखाओ और मैं याद रखता हूँ और मुझे शामिल करो इन्वॉल्व करो तो मैं सीख जाऊँगा तो यहाँ पर भी इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है कन्फ्यूस ने भी इसके बारे में बोला और बेंजामिन फ्रेंकलिन ने भी इसके बारे में बोला ठीक है तो यहाँ पर दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि बच्चों को अगर जितना इन्वॉल्व करेंगे उनको जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चा उतना अच्छे से सीखेगा उतना उसको अच्छे से लर्निंग एक्सपीरियंसिस मिलेगा तो आज के इस वीडियो में हमने लर्निंग एक्सपीरियंसिस की बात की तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इजी एक बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सिस की टीचिंग लर्निंग रिसोर्सिस या शिक्षण अधिगम संसाधन है क्या हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की बात बात करेंगे इसके टाइप्स की बात करेंगे और लास्ट में इसके इंपॉर्टेंस और इसके महत्व की बात करेंगे तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में कि ये होते क्या हैं तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आर टूल्स डेट टीचर्स यूज टू हेल्प देयर लर्नर्स लर्न क्लियरली एंड क्विकली कि शिक्षण अधिगम संसाधन क्या है उपकरण है टूल्स हैं जिनका उपयोग टीचर कर रहा है क्यों कर रहा है ताकि वे अपने शिक्षार्थी हैं जो उनके स्टूडेंट हैं उनको स्पष्ट और शीघ्र सीख, सीखने में मदद करने के लिए करते हैं ताकि जो भी कंटेंट हो जो भी टॉपिक हो बच्चों को आराम से आसानी से जल्दी से बच्चों को समझा सकें बच्चों को सिखा सकें तो दीज आर यूज बाय द टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज कंसेप्ट प्रिंसिपल्स और स्किल बाय हिस लर्नर कि इनका उपयोग शिक्षक अपने विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान अवधारणा सिद्धांत कौशल सीखने समझने और अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं ताकि जो भी भी कंटेंट है इन संसाधनों की मदद से 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 बच्चों को क्लास में अच्छे 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 पढ़ा सके, से समझा सके और बच्चे भी से सीख देखिए तो जब आ, क्लास में अक्सर आप देखेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस होते हैं उनकी आ, सहायता से जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक है चाहे हम आ, स्मार्ट बोर्ड की बात करें चाहे आप प्रोजेक्टर की बात करो चाहे आप मॉडल्स की बात करते हैं तो इन संसाधनों के द्वारा जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं समझाते हैं तो क्या होता है बच्चों को जो मुश्किल से मुश्किल जो एक चीजें होती है कंसेप्ट होता है आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है अब देखिए मान लो एक टीचर अगर आपको बताने की कोशिश करे कि जो वॉलकैनो है कैसे बनते हैं ठीक है वोलैनो या ज्वालामुखी कैसे बनते हैं कैसे फटते हैं अगर मुंह से बताएगा तो नहीं समझ में आएगा लेकिन सामने आपके कोई मॉडल के थ्रू या वीडियो के थ्रू अगर वो आपको दिखाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी से चीजों को समझ में आ जाएगा और आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तो इन संसाधनों की मदद से क्या होता है कि टीचर को पढ़ाने में आसानी होती हो और आप सबको सीखने में आसानी होती है दीज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग इन द स्कूल एनवायरमेंट की विद्यालय वातावरण में शिक्षण अधिगम का एक मुख्य अंग है क्योंकि इसके माध्यम से जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव हो रही है लर्निंग है वो भी इफेक्टिव हो रही है द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपेंड्स ऑन टीचिंग लर्निंग की 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 विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता शिक्षण अधिगम संसाधनों पर निर्भर करती है कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग रिसोर्सिस क्या है अब मान लो आप किसी स्कूल में आपके भाई बहन है आप उनको एडमिशन कराने के लिए जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे रिसोर्सिस क्या है क्लासरूम कैसी है क्लासरूम में कौन कौन से जो रिसोर्सिस है अवेलेबल है सारी चीजें देखोगे तभी तो आप पढ़ाओगे आपको लगेगा कि नहीं रिसोर्सेज है बच्चा अच्छे से सीख सकता है तो आप वहाँ पे एडमिशन कराओगे अगर आपको

इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई टीचिंग है लर्निंग है उसको बेहतर बनाना तो टू इन द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल किस विद्यालय के जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको समृद्ध बनाना तो शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब क्या है कि जो भी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको और एनरिच बनाना इसको और समृद्ध करना है ताकि टीचिंग अच्छे से हो लर्निंग अच्छे से हो बच्चों का रिजल्ट अच्छे आए बच्चे अच्छे से सीखें बच्चे अच्छे से समझें बच्चे आगे बढ़ें टू तो डेवलप स्टूडेंट एजुकेशनली की विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास करना शैक्षिक विकास कब होगा बच्चों का जब उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है बढ़ेगी ठीक है उनको देश दुनिया के बारे में पता होगा उनके उनको चाहे साइंस की बात करें सोशल साइंस की बात करें इनके कंसेप्ट के बारे में पता होगा तो बच्चा जब अच्छे से जानेगा समझेगा अलग अलग सब्जेक्ट को जानेगा समझेगा तभी तो उसका एजुकेशन डेवलप एजुकेशनल डेवलपमेंट शैक्षिक विकास होगा टू इंप्लीमेंट द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल की विद्यालय के जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन

सिंपल सा है कि अगर आप बच्चों को आ, समंदर के बारे में पढ़ाने, पढ़ाना मतलब उनको पढ़ा रहे हैं आप बता रहे हैं ठीक है इसके अलावा आप बच्चों को जो 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 आदिवासी लोग है, ट्राइबल लोग हैं 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 ट्राइबल डेजर्ट में में रहते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाना है तो क्लास में सिर्फ बताने से तो बच्चा नहीं सीखेगा ना लेकिन आप उससे रिलेटेड बच्चों को वीडियो दिखाएंगे ठीक है तो वो चीज बच्चा आराम से उसको समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा उधर की लाइफ कैसी होती है तो ये चीज बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी तो इससे क्या होगा टू मेक नॉलेज एक्सेसिबल के ज्ञान को सुलभ बनाना अब अगर इसके हम टाइप्स की बात करें कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं तो बेसिकली जब हम देखते हैं तो जब हम इसके टाइप्स की बात करें देखिए अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइप्स कहीं चार पाँच है दो तीन कहीं पे भी मिल सकते हैं लेकिन एक नॉर्मली एक जनरल अगर हम बात करें तो आ, दिस कैन बी क्लासीफाइड फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं मटीरियल रिसोर्सिस हो सकते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं तो आज हम इन फोर टाइप्स की बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल रिसोर्सिस देखते हैं तो फिजिकल रिसोर्स में क्या आता है स्कूल बिल्डिंग क्लासरूम फर्नीचर प्ले ग्राउंड टॉयलेट्स वाटर फैसिलिटीज ठीक है तो ये सब क्या किस में आते हैं ये सारे आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज भौतिक संसाधन और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स कौन है ठीक है टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है और जैसे जो दीदी भैया हैं बाकी अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन में जो पढ़ा रहे जो नहीं पढ़ा रहे और तीसरा कौन है स्टूडेंट यही तो हम देखते हैं कि आ, किसी भी स्कूल को देखोगे टीचिंग लर्निंग को देखोगे तो उसके ह्यूमन रिसोर्स यही तो है अगर ये ना रहे तो टीचिंग लर्निंग कैसे होगी फिर अगर मटेरियल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मटेरियल रिसोर्स में क्या आता टेक्स्ट है, है टेक्स्ट बुक आती है ठीक है टेक्स्ट बुक आती है नोटबुक आती है ऑडियो वीडियो जो मटेरियल्स हैं ये सारे आते हैं टीचिंग एड्स आते हैं वर्किंग नॉन वर्किंग कंप्यूटर्स हैं लाइब्रेरीज है लैब no है, है, है ये सारे के सारे मटीरियल रिसोर्स में आते हैं और लास्ट में इनको चलाने के लिए क्या चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्स वित्तीय संसाधन तो उसमें फ़ीस आती है और स्कूल को जो बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो उनको ग्रांट मिलते हैं जो अनुदान मिलते हैं जो दान मिलते हैं उसके माध्यम से ये चलता है तो इस तरह से ये जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं टीचिंग लर्निंग के, तो फोर टाइप्स इसके होते हैं और लास्ट में अगर हम इसके महत्व की बात करें इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल क्यों है हम जान चुके हैं अभी तक कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मतलब बनाते हैं ठीक है ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें काफी महत्वपूर्ण है इट इज़ इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट क्विकली एंड क्लियरली कि कठिन अवधारणाओं को शीघ्र से स्पष्टता से समझाने में इनके सहायता से मदद मिलती है इट मोटिवेट द लर्नर इट मोटिवेट द टीचर टू टीच एंड स्टूडेंट टू लर्न की शिक्षक को शिक्षण और विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करते हैं तो देखिए इन संसाधनों की मदद से टीचर्स को भी पढ़ाने में मजा आता है आसानी होती है क्योंकि डिफिकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट भी आसानी से टीचर बच्चों को सिखाता है और बच्चों को भी सीखने में बहुत मजा आता है क्योंकि फिर इनके माध्यम से सीखना बोरिंग नहीं होता इंटरेस्टिंग होता है तो इट हेल्प्स इन मेकिंग आ, लर्निंग परमानेंट तो इससे जो भी बच्चा इनकी सहायता से सा सीखता है तो जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है वो स्थाई होती है बच्चा जल्दी से भूलता नहीं है इसके अलावा लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड एनी कांसेप्ट बाय यूजिंग डिफरेंट सेंसेस की विद्यार्थी विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी अवधारणा को समझ सकता है वो सुनता है देखता है ठीक है आ, चीजों को महसूस करता है तो इससे क्या होगा जब हम हम किसी भी लर्निंग में हमारी एक से ज्यादा जब सेंसेस से यूज होंगी तो क्या होगा लर्निंग जो होगी वो दिमाग में घुसेगी ठीक है और बच्चा क्या होगा कि आ, चीजों को आसानी से सीख सकता है समझ सकता है तो इससे लर्निंग परमानेंट होती है थ्रू टीचर्स प्रेजेंट द मटेरियल मोर क्लियर लेकिन इनके माध्यम से शिक्षक क्या करता है सामग्री को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करता है तो सामग्री क्या हो गई जो चैप्टर्स हो गए जो कंसेप्ट हो गया उसकी बात करते हैं दीज रिसोर्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स ये संसाधन विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराते हैं तो देखिए आप प्रत्यक्ष अनुभव कैसे उपलब्ध कराते हैं तो एक तो होता है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप क्या करेंगे आप मान लो आपको अगर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आपको फॉरेस्ट में ले, मतलब ले जाया जाए आपके आस पास के अगर कोई नियर बाय फॉरेस्ट है तब तो आप उसको समझ सको आपको अगर आपको हिली एरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आपको वहाँ पे ले जाया जाए तो हर बार ये पॉसिबल थोड़ा ना होता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो इस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं जो रिसोर्सेज हैं ठीक है आपको स्मार्ट uh, बोर्ड में आपको वीडियोस में दिखाया जा सकता है कि भाई हिल एरिया क्या होता है जो डेजर्ट एरिया क्या होता है ओशन क्या होता है वोल क्या होता है ठीक है तो उनकी मदद से भी तो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है तो दीज रिसोर्सेस मेक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग तो इससे क्या होगा टीचिंग so, लर्निंग जो प्रोसेस है इंटरेस्टिंग होगा रोचक होगा और यह संसाधन समय की बचत में भी सहायक होते हैं बिल्कुल सही बात है कि इससे समय की बचत होती है कम समय में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं और द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपेंड्स ऑन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सिस की विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षण अधिगम संसाधनों पर ही तो निर्भर करती है संसाधन जितने ज़्यादा होंगे जितने अच्छे होंगे उतना ही टीचिंग में भी आसानी होगी लर्निंग में भी आसानी होगी टीचिंग भी अच्छी होगी लर्निंग भी अच्छी होगी एंड दिस हेल्प द टीचर टू चेक वेदर द लर्नर्स हैव इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और नॉट इस नॉट कि इससे इसके माध्यम से टीचर ये भी जान सकते हैं ना कि जो बच्चे ने सब्जेक्ट के बारे में कितना सीखा है कितना समझा है तो इससे इन चीज़ का भी बारे में पता चलता है कि आप चाहे मॉडल्स की बात करें चार्ट पेपर्स की बात करें इमेज़ की बात करें वीडियोज़ की बात करें टीचर बच्चों को दिखा सकता है दिखाने के बाद बच्चों से साथ ही साथ क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो उससे बच्चों के जो लर्निंग है उसके बारे में पता चलता है तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात की टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के बारे में की रिसोर्स हैं क्या हमने इसके कंसेप्ट को जाना हमने इसके ऑब्जेक्टिव को जाना टाइप्स को जाना इंपॉर्टेंस को जाना तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इग्नो से या डी से डी में भी एसओ से कोरस्पॉन्डेंस से आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे होंगे तो अब क्वेश्चन आता है कि जो रेगुलर कोर्स होता है और जो कॉरेस्पॉन्डेंट से होता है ओपन से होता है डिस्टेंस से होता है दोनों में क्या फर्क होता है तो देखिए रेगुलर में आप सबको पता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है स्कूल या कॉलेज पर्टिकुलर टाइम होता है आपको वहां पर पहुंचना होता है फिर आपकी क्लासेस होती है क्लास का भी एक टाइम होता है ठीक है तो इस तरह से आपकी रेगुलर जो क्लासेस चलती हैं क्लासरूम में बच्चे आते हैं टीचर आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक जो हो है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है फिर क्वेश्चन आंसर होता है और बच्चे के जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लास में फेस टू फेस सॉल्व कर लिए जाते हैं लेकिन जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं हम कोरोस्पॉन्डेंस जो मोड पर जो एजुकेशन है हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती यहाँ पर क्या होता है ज्यादातर ऐसा होता है आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं आप अपनी जॉब कर रहे हैं ठीक है आप अपना रेगुलर मोड पे पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करते हैं आप अपने डिस्टेंस से अपना कोर्स करते हैं डिस्टेंस से या क्रस्पोंडेंस से तो यहाँ पर आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ता यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको नहीं जाना पड़ता कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं होता आपको असाइनमेंट मिलते हैं तो आप उस असाइनमेंट को बनाते हैं और आप उसको जो भी पर्टिकुलर लर्निंग सेंटर है वहाँ पे आप जाकर सबमिट कर देते हैं और लास्ट में आपका जो एग्ज़ाम होता है तो आप जाकर अपनी एग्जाम दे आते हैं ठीक है तो इस तरह से आप क्या करते हैं घर बैठे बैठे ही अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं और यहां पर ये पूरा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है जहां पर लर्निंग ओनरशिप आपकी खुद की होती है किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है ठीक है तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो इग्नू से या डीयूसओ से आप से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी तो आज की इस वीडियो में हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे हम जानेंगे कि ओपन लर्निंग क्या होती है डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है और ओडीएल क्या है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए जब हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं ना मुक्त और दूरस्थ अधिगम की बात करते हैं तो ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन ठीक है डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग दोनों को जब हम मिलाते हैं ना तो इसको हम क्या कहते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं ठीक है ओपन मीन्स ओपन फॉर एवरी अब देखिए दो यहां पे वर्ड आते हैं ना ओपन एंड डिस्टेंस तो ओपन का मतलब है ओपन फॉर एवरी मतलब यहां पर एज की कोई लिमिट नहीं है ठीक है कोई भी इन कोर्स को कर सकता है तो यहां पर ऐसा कोई नहीं है कि लिमिटेशन है किसी चीज की नहीं किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है अब किसी चीज का कोई बैरियर नहीं है कोई भी इन कोर्सेस को कर सकता है ठीक है दूसरा जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस मींस देर इज नो बैरियर ऑफ टाइम एंड प्लेस फॉर द लर्नर्स एंड द टीचर्स की दूरस्थ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है शिक्षार्थी और शिक्षक के लिए समय और स्थान की कोई बाधा नहीं होती ठीक है तो आप घर बैठे बैठे भी आराम से अपना कोर्स कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ओपन का मतलब है ओपन फॉर एवरी वन कि कोई भी इस कोर्स को कर सकता है कोई भी यहाँ पर एडमिशन ले सकता है ऐसा कोई एज का कोई इस तरह की बाउंडेशन नहीं है और जब हम डिस्टेंस मोड की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि टाइम और प्लेस की इस तरह की किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है ठीक है तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं ओ डी एल इट एक्सेप्ट ओपननेस इन लर्निंग बाय यूजिंग डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन की यहां शिक्षा की दूरस्थ विधि का उपयोग करके अधिगम में खुलेपन को स्वीकार मतलब किया जाता है तो डिस्टेंस uh, मोड डिस्टेंस मोड पर ठीक है ओपननेस इन लर्निंग मतलब क्या है कि देखिए आप डिस्टेंस से जब अपना कोर्स कर रहे हैं तो ओपननेस है कि कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है किसी तरह का इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता जो आप इग्नू से कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है ठीक है डिस्टेंस मोड पर आप कोर्स करते हैं और दूसरी बात है कि कोई आपसे नहीं कहता हम जब ओपननेस की बात करते हैं ना तो कोई आपसे नहीं कहता कि आपको इस टाइम पढ़ना है आपको ऐसे करना है आपको वैसे करना है आप पढ़ने के लिए पूरा फ्री होते हैं आप चाहे किसी भी मटेरियल से तैयारी कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है कोई बाउंडेशन नहीं होती कोई बाउंड्री नहीं होती आपके पास अगर आपका जिसे में कहते है कि year, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आ, सारी चीजें बिल्कुल फ्रीडम होती है बच्चों के लिए बिल्कुल ओपन होता है और डिस्टेंस मोड पर आप करते हैं तो रेगुलर जाने की जरूरत ही नहीं होती तो इसलिए क्या कह रहे हैं इट एक्सेप्ट ओपननेस इन

इनफॉर्मल जो आप घर से समाज से चीजें सीखते हैं और जब नॉन फॉर्मल की बात करते हैं तो मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द ट्रेडिशनल यहाँ पर पारंपरिक कक्षा व्यवस्था के बाहर पारंपरिक ट्रेडिशनल क्लासरूम जो रेगुलर क्लासरूम है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट रेगुलर जाते हैं और रेगुलर टीचिंग लर्निंग होती है तो यहाँ पर इस तरह का नहीं होता ठीक है यहाँ पर पूरी फ्लैक्सिबिलिटी होती है आपको स्कूल uh, नहीं जाना आपको कॉलेज नहीं जाना आप अपना घर बैठे तैयारी कर सकते हैं आपका जो भी असाइनमेंट है आप उसको आराम से बनाकर आप सबमिट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं कर सकते हैं तो यहाँ पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ठीक है जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल है इग्नू का अगर इग्नू से आप मास्टर्स कर रहे होंगे तो मान लो इग्नू का एग्जाम जून में होना है आपको जून में एग्जाम देना है तो आपके चार पांच पेपर हैं चार पेपर हैं पांच पेपर हैं तो जो ही नहीं कि आप पांचों पेपर दो आप दो पेपर अभी दे सकते हैं दो दिसंबर में दे सकते हैं तो साल में दो बार एग्जाम होते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या है कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती तो अब अगर इनमें हम सिर्फ ओपन की बात करते हैं तो देखिए अभी तक आपको मतलब समझ में आ गया ओपन का मतलब है ओपन फॉर एवरीवन हर किसी के लिए एक खुला है यहाँ पर एज की किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चों को पूरी फ्रीडम होती है अपने हिसाब से सीखने की अपने हिसाब से करने की तो इट इज़ ओपन टू ऑल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के बिना किसी रुकावट के सभी के लिए खुला है दिस अलाउस लर्नर टू हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग एक्सपीरियंस की यह शिक्षार्थियों को अपने अधिगम अनुभव पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देता है तो यहाँ पर लर्निंग पर पूरा कंट्रोल किसका होता है बच्चों का खुद का होता है ऑनरशिप बच्चों की खुद की होती है तो ये पूरी तरीके से चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच हम इसको कह सकते हैं आप सब कर रहे हैं तो आपको पता है आपको कोई नहीं कहता कि भाई तुम इस टाइम इतना कर लो इस टाइम इतना कर लो आप अपने हिसाब से करते हैं आपको देखते हैं कि जब मेरे पास टाइम है तो मैं उस इस हिसाब से अपना पढ़ लूंगा अपना असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा और अगर मैं इस साल इस मंथ नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट ईयर भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकता हूँ कोई मना नहीं करेगा कोई ऐसा रोकेगा नहीं ठीक है इट एम्फेसाइजेज फ्लेक्सीबिलिटी सेल्फ पेस लर्निंग एंड लर्नर ऑटोनॉमी तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है आप अपनी गति के हिसाब से सीख सकते हैं आप चाहे तो दो साल में कंप्लीट कर सकते हैं चाहे तो तीन साल में कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर सेल्फ पेस ऑफ लर्निंग आप अपने हिसाब से आप आज पढ़ सकते हैं आज नहीं मन किया तो कल पढ़ सकते हैं आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकते हैं तो आप अपनी गति के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं और लर्निंग की जो पूरी ऑटोनॉमी होती है सीखने की आपकी खुद की होती है इसके अलावा इन हैव द फ्रीडम टू चूज द देयर करिकुलम स्टडी मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट कि यहाँ पर बच्चों की पूरी फ्रीडम होती है ठीक uh, है कि जब आप एडमिशन लेते हैं ठीक है तो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आपको पूरी फ्रीडम होती है कि अच्छा मुझे बी करना है मुझे ये सब्जेक्ट करना है मुझे ये कोर्स करना है बी में भी मुझे ये सब्जेक्ट लेने तो पूरा आपको फ्रीडम होती है आप स्टडी मटेरियल चूज कर सकते हैं आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है से आप उसे भी पढ़ सकते हैं, आप मार्केट में दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो आप अपने हिसाब से चीजों को पढ़ सकते हैं तैयारी कर सकते हैं जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होती और दिस ऑफन इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स ऑनलाइन रिसोर्स भी आपको मिल जाते हैं इग्नू का भी देखोगे ऑनलाइन रिसोर्स भी मिल जाएंगे आपको बुक्स भी मिलती है मल्टी मीडिया मटीरियल भी मिलते हैं और इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलते हैं तो इस तरह से अलग अलग माध्यम होते हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं तो ओपन लर्निंग मतलब ओपन फॉर ऑल बिल्कुल आपको पूरी फ्रीडम होती है किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है सीखने की आप लर्निंग के ओनरशिप आपकी खुद की अपनी होती है और जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं ना तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आ, पर्टिकुलर जिसे रेगुलर में होता है ना कि एक क्लासरूम में बच्चे और टीचर दोनों रेगुलर जाते हैं टाइम टेबल को फॉलो करते हैं पढ़ते हैं तो आ, यहाँ पर टाइम की और प्लेस की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती ठीक है इसमें स्टूडेंट और टीचर के लिए समय और स्थान की किसी तरह की कोई बाधा नहीं है द करिकुलम इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली थ्रू टीचिंग मटेरियल की पाठ्यक्रम का कर जो संचालन है विशेष रूप से शिक्षण सामग्री के माध्यम से किया जाता है कैसे किया जाता है मान लो आपने एमए में एडमिशन ले लिया ठीक है आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया डिस्टेंस से तो फिर क्या होता है एडमिशन लेने के एक दो महीने बाद आपके पास स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है आपको असाइनमेंट मिल जाता है अब आप उन स्टडी मटेरियल को आप पढ़ो ठीक है उससे असाइनमेंट बना के आप जमा कर दो तो टोटली totally जो यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस मोड पर तो क्या होता है कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है टीचिंग मटेरियल मिल रहा है उसी के माध्यम से एक तरह से कम्युनिकेशन होता है जो आपको मटेरियल मिलता है आप उसको पढ़ते हैं और उसके बेस पर असाइनमेंट बनाते हैं उसको सबमिट करते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि द करिकुलम इज़ कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली थ्रू टीचिंग मटेरियल की पाठ्यक्रम का संचालन विशेष रूप से शिक्षण सामग्री के माध्यम से ही किया जाता है इसके अलावा इट इज टू द लर्नर्स थ्रू वेरियस मीडिया सच एज प्रिंट ऑडियो या वीडियो टेप है इंटरनेट है अलग अलग माध्यम से ठीक है आपके पास प्रिंट मटेरियल भी आता है आपके पास ऑनलाइन मटेरियल भी होता है और आप ऑनलाइन uh, या दूरदर्शन पे इससे रिलेटेड जो कार्यक्रम है प्रोग्राम है आप उसको भी देख सकते हैं इन दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर थ्रू टेक्निकल मीडियम कि देखो टेक्निकल मीडियम के माध्यम से तकनीकी माध्यम से टीचर और बच्चों के बीच में संचार होता है किस तरह से होता है तो देखिए एग्जाम्पल के लिए ले लें कि व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बन जाते हैं ठीक है कई बार और ये भी होता है कि आपको जो भी इन जो इग्नू है जो लर्निंग या स्टडी सेंटर मिला है तो मेल के थ्रू आपकी और लर्निंग सेंटर की वहां पे टीचर्स एक कम्युनिकेशन मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी होती है इसके अलावा कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूट फैकल्टी एंड लर्नर्स टेक पेस मेनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक है जैसे हमने बात की थ्रू पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल आता है या जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है या तो बाय पोस्ट आती है आपको या तो बाय मेल आती है और यहाँ पर ये भी होता है कि जैसे संडे संडे क्लासेस होती हैं क्लासेस क्या होती हैं एक तरह से रेमिडियल क्लासेज टाइप में होती हैं तो आप पर्टिकुलर आपको स्टडी सेंटर अलॉट होता है वहाँ पर आप जाके जो भी काउंसलर है आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं तो इन तीजों तीनों चीज़ों की यहाँ पर सहूलियत होती है और यह दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन है ठीक है आप जब इस तरह की कोर्स करते हैं तो आपके आसपास का कोई स्टडी सेंटर मिल जाता है ठीक है वहां पे जाके आपको जो भी कोरोस्पॉेंस है जो भी बातचीत है जो भी आपको डाउट है वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि ओपन एंड डिस्टेंस जो है लर्निंग है क्या होती है अब अगर इनके एडवांटेज की बात करें तो देखिए एडवांटेज सबसे पहला क्या है इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है स्वतंत्र अधिगम होता है ठीक है आप अपने टाइम के हिसाब से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ठीक है आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है उसको पढ़ो वो समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई दूसरा मटेरियल पढ़ लो तो पूरी फ्रीडम होती है किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती आप सब इग्नू से कर रहे हैं डी से कर रहे हैं तो आपको पता होगा ठीक है आप इसको आराम से समझ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं आप अपने हिसाब से आप अपने टाइम को देखकर आप अपनी स्पीड के हिसाब से चीजों को सीखते हैं आपको मन किया कि नहीं मुझे रेगुलर पढ़ना है तो रेगुलर पढ़िए आपको मन किया कि नहीं मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो आप लास्ट में पढ़िए ठीक है आपको जो भी कॉन्टेंट अच्छा लगता है जो भी मटेरियल अच्छा लगता है जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा

स्टडी मटेरियल भी मिलता है आपको प्रिंट मटेरियल भी मिल रहा है आपको जो जो ऑनलाइन मटेरियल है वो भी आपको मिल रहा है ठीक है तो आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चीजों को सीख रहे हैं तो बिल्कुल ही पर्सनलाइज लर्निंग यहाँ पे होती है लर्निंग की ओनरशिप आपकी खुद की होती है एक्सेसिबल एजुकेशन सुलभ शिक्षा तो डिस्टेंस मोड है आप जरूरी नहीं कि मतलब एक्सेसिबल क्या है कि सभी के लिए एक्सेसबल है यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ये स्टूडेंट कर सकता है वो नहीं कर सकता तो यहाँ पर इस किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चा आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकता है यहाँ पर इतनी कोई कॉम्पिटिशन वाली भी बात नहीं होती अगर आप इग्नू के एग्जाम्पल से आप इसको देखें तो इसके माध्यम से गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेशन ले सकता है कोई इतनी ज्यादा कोस्ट नहीं होती नॉर्मल अगर आप इग्नू से मास्टर्स करने जाएं तो आपका बारह पंद्रह हजार में पूरा दो साल का कोर्स हो जाता है तो इसके माध्यम से शिक्षा जो है दूर दराज में रहने वाले जो बच्चे हैं जो रेगुलर कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते तो वो भी यहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं और एलिमिनेशन ऑफ इनिक्वेलिटी असमानता को दूर करना तो देखिए असमानता को दूर क्या डिस्टेंस मोड के माध्यम से ही मान लो स्कूल्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एट क्लास के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं ठीक है तो उसके बाद वो डिस्टेंस से ओपन स्कूलिंग करते हैं टेंथ और ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करते हैं और ट्वेल्थ के बाद जॉब के चक्कर में काम के चक्कर में रेगुलर एजुकेशन नहीं कर पाते तो वो कुरस्पोडें से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इस तरह से जो एलिमिनेशन ऑफ इनक्वलिटी असमानता का उन्मूलन में सहायता मिलती है कॉम्युनिकेशन संचार की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम कॉम्युनिकेशन जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में ठीक है या जो इंस्टीट्यूट के बीच में कॉम्युनिकेशन होता है वो बाय मेल होता है ठीक है बाय पोस्ट होता है इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं चाहे हम व्हाट्सअप और इन सब की बात करें तो इनके माध्यम से भी टीचर बच्चे आपस में जुड़े होते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें असेसमेंट असेसमेंट तो के लिए बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं और एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं कम खर्चीली है और आजकल देखें तो टोटली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है प्रौद्योगिकी एकीकरण है आपको सारी चीज़ें ठीक है एडमिशन से लेकर एग्जाम तक सारी डिटेल सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही आपको आराम से सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलती रहती है फिर अगर चैलेंजेस की बात करें या लिमिटेशन की बात करें तो देखिए जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो जो एक मोटिवेशन रेगुलर कोर्स में है आप रेगुलर जा रहे हो रेगुलर कर रहे हो ना तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती ठीक है डेली टीचर से इंस्ट्रक्शन नहीं होता इंट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता टीचर से तो डेली क्लासरूम में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है टीचर से बातचीत करने में काफ़ी हद तक उसको सॉल्व करने में मदद मिलती है आपको डेली गाइडेंस मिलती है लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप रेगुलर चीज पढ़ाई के टच में नहीं रहते ना तो जो एक सेल्फ मोटिवेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं उसकी कमी होती है प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है और जैसे रेगुलर में आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ होती है तो Correspondence में और डिसिप्लिन नहीं आ पाता और एक चीज और है कि जब आजकल देखें तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना डिस्टेंस लर्निंग में तो अगर हम देखते हैं कि जो गांव में दूर दराजे रहने वाले लोग हैं बच्चे हैं वो जब इस तरह से करते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो टेक्नोलॉजी है जिसकी नीड है चाहे नेट कनेक्टिविटी की बात करें फोन्स की बात करें वो एक तो अवेलेबल नहीं होती और कई दूसरी बात है कि अवेयरनेस की भी कमी होती है ठीक है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बाद है लैक ऑफ कम्युनिकेशन टीचर और बच्चों के बीच में इतना कम्युनिकेशन होता नहीं है और क्वालिटी एश्योरेंस की भी बात करते हैं गुणवत्ता आश्वासन की बात करते हैं तो देखिए डिस्टेंस मोड पर मटेरियल तो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है लेकिन जितने डेडिकेशन के साथ पढ़ना और सीखना चाहिए शायद टाइम की कमी है सभी के लिए नहीं कह रहा लेकिन एक जो क्वालिटी है जो एक लर्निंग जो एक अच्छी होती है जो रेगुलर में होती है ना कहीं ना कहीं जो क्वालिटी एश्योरेंस है कोरोस्पॉन्डेंस में उसकी हमें कमी देखने को मिलती है तो ये इसके कुछ लिमिटेशन है चैलेंजेस है और लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हैज एक्सपेंडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की इन्होंने जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ना वो आप इसको कह सकते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल की मतलब इन्होंने डिस्टेंस मोड के थ्रू जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रही है ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षा में अपनी हायर एजुकेशन जो है इसके माध्यम से अपनी कंप्लीट कर पा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं रेगुलर कोर्सेज में देखो तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है ठीक है और बहुत बार ये भी होता है कि बच्चा ट्वेल्थ पास करता है तो जब प्रोफेशनल कोर्सेज में लगता है जॉब के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल जो नीड है उसको पूरा करने में लगता है तो पढ़ाई नहीं कर पाता तो ऐसे में डिस्टेंस मोड पर जो है अपनी एजुकेशन जो उसको डिस्टेंस मोड उसको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर ली तो इसके माध्यम से जो शिक्षा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचती है और इट हैज चेंज द वे एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एंड एक्सडीड की uh, की इसने शिक्षा प्रदान करने और उस तक पहुंचने के तरीके बदल दिया ट्रेडिशनल में तो था कि एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा होना है ठीक है टाइम टेबल को फॉलो करना है लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ने उस चीज को बदल दिया इसके माध्यम से एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंची है तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है फ्लेक्सिबिलिटी है एक्सेसिबिलिटी है सभी हर कोई की एक्सेस यहाँ तक है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ठीक है टाइम की एज की किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है आप ओपन uh, की जब हम बात करें तो साठ साल की उम्र में भी करना चाहें तो कोर्स कर सकते हैं तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है इन दिस एजुकेशन बिकम्स मोर इंक्लूसिव एंड टू इंडिविजुअल नीड्स की इसमें शिक्षा अधिक समावेशी और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल होती है क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं लर्निंग की ओनरशिप लर्नर्स की होती है और कोई भी एडमिशन इसमें ले सकता है ठीक है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स चूज कर सकता है तो इसलिए ये मोर इंक्लूसिव है और इंडिविजुअल नीड्स को बिल्कुल ही सूट करता है तो आज की इस वीडियो में हमने ओपन एंड डिस्टेंस जो लर्निंग है जो एजुकेशन है उसकी बात की कि होता क्या है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग एंड टीचिंग में इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी ओडीएल के बारे में ओडीएल मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में हमने बात की हमने जाना हमने समझा और देखिए ओडीएल की एक खास बात क्या थी सबसे खास बात है सेल्फ लर्निंग आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इग्नू से या डी से या जामिया से आप कॉरेस्पोंडेंट से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि जब हम कॉरेस्पोंडेंट से ओपन से या डिस्टेंस से जब हम कोई कोर्स करते हैं तो वहां पर लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइनटी नाइन परसेंट हमारे खुद की होती है लर्निंग हम अपने एफर्ट से चीज़ों को सीखते हैं चाहे हम वीडियो सर्च करें चाहे हम कंटेंट से पढ़ें तो आपकी हेल्प करने के लिए दूसरा कोई नहीं रहता या हमेशा कोई अवेलेबल नहीं रहता आपको खुद से प्रयास करना पड़ता है तो ओडीएल की सबसे खास बात क्या थी सेल्फ लर्निंग तो आज के इस वीडियो में हम सेल्फ लर्निंग के बारे में जानेंगे कि सेल्फ लर्निंग होती क्या है तो वीडियो को आखिर तक देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ लर्निंग स्वाधिगम होता क्या है तो सेल्फ लर्निंग लर्निंग बाय वंस ऑन एफर्ट विदाउट स्व स्व शिक्षा का या अधिगम का अर्थ क्या है बिना किसी की सहायता कि के स्वयं के प्रयासों से सीखना तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं तभी तो हम इसको सेल्फ लर्निंग या स्व अधिगम uh, कह रहे हैं कि आप सीख रहे हो लेकिन किसी दूसरे की हेल्प से नहीं बल्कि आप अपने खुद के एफर्ट से तो इन दिस द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग लाइज विद द लर्नर नॉट द टीचर कि यहाँ पर सीखने की जो जिम्मेदारी होती है ठीक है वो किसकी होती है वो बच्चे की खुद की होती है टीचर्स की नहीं होती है. के लिए विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है तो देखिए जब आप इन पॉइंट को पढ़ेंगे ना तो आप मतलब खुद को मान के चलिए कि आप इग्नू से या डी से या वहां से से चीजों को कर रहे हैं तो जब वहां से कर रहे हैं तो सारा एफर्ट्स आपको कुछ खुद से ही लगाना पड़ रहा है कोई दूसरा आपको सिखाने या बताने नहीं आ रहा आपके अपने खुद के एफर्ट लग रहे हैं तो लर्निंग कैसे हो रही है इंडिपेंडेंटली हो रही है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हो रही है दिस अप्रोच मे भी बेनिफिशियल फॉर दोज लर्न एट देयर ऑन पेस की ये दृष्टिकोण उन लोगों के या बच्चों के लिए फायदेमंद है जो अपनी गति से अपने हिसाब से सीखना चाहते हैं क्योंकि रेगुलर में तो क्या होता है आप पे एक प्रेशर होता है कि नहीं अभी काम करो अभी असाइनमेंट दो लेकिन जब हम कोरोस्पोंडेंट से करते हैं ना तो, तो इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता हम अपने गति से अपने हिसाब से चीजों को करते हैं चीजों को जानते हैं चीजों को सीखते हैं इन दिस स्टूडेंट आर सेल्फ मोटिवेटेड तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी स्व प्रेरित होता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे करना पड़ेगा मुझे पढ़ना पड़ेगा मुझे अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है तो मुझे असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा मुझे एग्जाम देना पड़ेगा तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है दे नो हाउ टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन कि वे जानते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करें आपके पास जो स्टडी मटेरियल है या ऑनलाइन मटीरियल है है, तो आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा तो आपको कौन सा आंसर कहां मिल सकता है तो किस तरह से एफर्ट करना है किस तरह से रिसोर्सेस को यूज करना है ठीक है तो इसमें अगर देखिए कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वीडियोस पॉडकास्ट पॉडकास्ट मतलब रिकॉर्डेड जो ऑडियोस होते हैं बुक्स एक, एक्सपेरिमेंट वेबिनार ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेट कैन बी इफेक्टिव फॉर दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग की इसमें जब हम सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं तो हम किसका किसका इस्तेमाल है करते हैं वीडियो का पॉडकास्ट ऑडियो बुक्स का यूज़ करते हैं ठीक है खुद के एफर्ट्स भी हमारे होते हैं ठीक है वेबिनार है ऑनलाइन प्रमाणन सर्टिफिकेशन है ये अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं

ठीक है आप रेडी हो गए पढ़ने के लिए फिर अपने गोल्स डिसाइड करो अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करो कि कोई चीज करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो और इसके बाद खुद को जो लर्निंग प्रोसेस उसमें खुद को बिल्कुल सौंप दो समर्पित कर दो एंगेजिंग इन लर्निंग प्रोसेस की अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होना और लास्ट में अधिगम का मूल्यांकन करना कि आपके जो एफर्ट्स हैं ठीक है कितने efforts आपके रहे हैं आपको सफलता मिली कि नहीं मिली तो ये क्या है सेल्फ लर्निंग जो है उसके स्टेप्स है उसके चरण है अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें लाभ की बात करें तो इट हेल्प्स टू लर्न वेरियस कंसेप्ट ऑन योर ऑन विदाउट हेल्प कि यह बिना सहायता के विभिन्न अवधारणा को स्वयं से सीखने में मदद करता है इट हैज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली कि विद्यार्थियों को गंभीर रूप से सोचने में मदद करता है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं एफोड करते हैं बुक्स लेते हैं सामने वीडियोस देखते हैं तो फिर आप चीज़ों को सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो इट हैज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम के समस्याओं को हल करने के लिए सोचने के विभिन्न तरीकों की खोजने में करता है ठीक है आप अक्सर चाहे आपको कंटेंट चाहिए चाहिए किसी का आंसर तो आप अपनी तो इस्तेमाल करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं के आधार पर समस्याओं से निपटने की अनुमति देता है इसके अलावा ये विद्यार्थियों को दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय अपने ज्ञान का मालिक बनने में मदद करता है विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हैं ठीक है हम अपने पेस जो सीखने का हमारा पेस है उसके हिसाब से हम सीखते हैं इट इंक्रीज द लर्नर तो इससे क्या होता है इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास आता है जब आप, आप आपको सीखने के लिए दूसरों के भरोसे नहीं बैठना पड़ता आप अपने खुद के एफर्ट से सीखते हैं तो आप में आत्मविश्वास भी बढ़ता है इसके अलावा इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस की इसमें इससे क्या है कि आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है और इट प्रोवाइड्स एन इंटरनल मोटिवेशन की एक आंतरिक प्रेरणा मिलती है आपको इट मेक्स अ पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन की है व्यक्ति को आत्म अनुशासित बनाता है कि अब जब लर्निंग की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन होकर चलना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को सही से सीख सकूं और अगर इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस क्या है बेस्ट ऑफिस बेल्टी कई बार ये भी दिक्कत होती है कि बच्चों को देखो अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता होता उनकी क्या काबिलियत है उनकी क्या स्ट्रेंथ नहीं पता होता तो ऐसे में उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ठीक है तो कई बार यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि गाइडेंस के लिए कोई होता नहीं है जल्दी से मिलता नहीं है और रेगुलर टीचिंग लर्निंग की बात करें तो वहाँ पर तो टीचर्स अवेलेबल होते हैं देर इज़ लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू रिसीव फीडबैक फ्रॉम पीयर्स की देखिए जब सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं ना आप खुद से पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको आपके पीयर्स से जो फीडबैक मिल सके ठीक है लर्नर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इवेलुएट देयर प्रोग्रेस की शिक्षार्थी को कई बार है कि अपने प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना ही कठिन हो जाता है कैसे पता चलेगा कि मेरे ये जो प्रोग्रेस है कहाँ है मुझे कहाँ पर और मन मेहनत करने की जरूरत है और लास्ट में इज अ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की उचित मार्गदर्शन का अभाव रहता है तो ये क्या हो गए इसके लिमिटेशंस हो गए तो आज के इस वीडियो में हमने सेल्फ लर्निंग की बात की कि सेल्फ लर्निंग क्या है उसके स्टेप्स क्या है एडवांटेजेस क्या है लिमिटेशन क्या है तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद